जरा खिसकना यार। यार तुमने तो परेशान कर दिया, और किधर खिसकूं? अरे तुझे खिसकने में क्या तकलीफ है भाई? खुद भी परेशान और मुझे भी परेशान कर रहे हो। बड़े भाई साहब थोड़ी देर जाके अंदर बैठ जाइए ना। बैठ तो जाऊं, लेकिन अगर तुझे अंदर जाना पड़े तो? अरे घबराए श्याम आटे, अगले स्टेशन पे डॉक्टर बुला के दवा दिला देंगे। क्यों? आप लोग जो सोच रहे हैं वो बात नहीं। अरे फिर बार बार अंदर श्याम आटे जाते हो दवा पीने के लिए? अरे फिर जगह पे बैठ के पियो ना। ये वो दवा है जिसका नाम लेना मना है, पीना मना है। इसके बाथरूम जा रहा हूँ और इसके बाद रात के लिए अलविदा। कुछ समझ में आया मंगलानी? तुम ही समझो। अरे सोया आने असली है। अच्छा इसका मतलब है तुम भी शराब पीते थे? अरे ना ना शंभो शिवो शंभो, अरे मैं तो सारा सिर्फ सुनता था और वो भी शादी से पहले। मंगो रानी आपकी जोड़ी बड़ी फर्स्ट क्लास। फरमाए जी ले लू। लगता है आप भाभी के इशारों पे चलते हैं। अरे ना ना बिल्कुल नहीं। क्या कहा? नहीं नहीं मैं कहता था कि ये इशारों पे चलने वाली बात नहीं थी, ये तुम्हारे हमारे प्यार की मोहब्बत की बात है। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं अकेला जा रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं? अरे मैं भैंस की पूंछ की तरह इनके पीछे पीछे ससुराल जा रहा हूँ। क्या कहा? मुझे भैंस कहा? नहीं नहीं मैंने अपने आप को पूंछ कहा। दरवाजा खोलो। दरवाजा क्यों नहीं खोलते? बुलाना जनाना डब्बा है, आगे बढ़ो। दरवाजा खोलो। जब भी कहने दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलते ही नहीं। रेलगाड़ी कहीं जागी समझ रखा है क्या? मैंने नहीं कहा था, इन्होंने कहा था। चुप क्यों है? बोलता क्यों नहीं? क्षमा कर दो देवी जी, सीट तो खाली है और खास खा कह रहे जगह नहीं है। अब क्या चाहिए? नहीं ये सीट मेरी है। इस पे आपका नाम लिखा हुआ है? नहीं नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी मैं यहीं पर बैठा हुआ था। तो बैठ जाइए। देखिए अगर मैं कितना भी सुकड़ कर बैठूं तो घुटने से घुटना टकराएगा और कंधे से कंधा रगड़ेगा। अगर इन सब चीजों की फिक्र करने लगूं ना तो नई नवेली दुल्हन की तरह घूंघट टाटकर घर पर ही बैठी रहूं। अरे अब नींद कहाँ से आएगी मंगो रानी, वो तो हो गई। दरवाजा खोलो, हम पुलिस इंस्पेक्टर हैं। ये मिलिट्री का डब्बा है। दरवाजा खोलते क्यों नहीं? हम पुलिस इंस्पेक्टर हैं। दरवाजा खोलो। अरे बाप रे, पुलिस। अरे क्यों आ गए? पिछले स्टेशन पर कोई लड़की चढ़ी थी जिसके हाथ में काला हैंड बैग था। वो तो गायब है। मेरे को कहीं नींद आ रही है तेरे सर को। अब तो नींद आएगी। आप आए हैं उसी ट्रेन से मैं भी आई। लेकिन आप तो पुलिस तलाश कर रही थी। वो अपनी आदत और फर्ज से मजबूर है। लेकिन आप भागने पर क्यों मजबूर हो गए? ये जानने की तकलीफ आप क्यों करें? नहीं नहीं मैं तो सिर्फ इस बैग को स्टेशन मास्टर के हवाले करके अब जा रहा था। देखिए ये बैग मेरा है, इसे मुझे दे दीजिए और तकलीफ का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर मैं ये बैग लेकर नहीं उतरता तो मैं कंपार्टमेंट में जाके खुद बैग ले लेती। लेकिन अगर कोई दूसरा ले गया होता तो? देखिए इतने सारे अगर मगर लेकिन का जवाब मैं नहीं दे सकती। मेरा बैग दे दीजिए। लीजिए। थैंक यू।
ना। अच्छा तो वहाँ से चिट्ठी भिजवा देना, वो उल्ला मत। अच्छा बाबा नमस्ते। मैं अभी अभी स्टेशन से उतरा हूँ। गलती की साहब। गलती क्यों? जी अब देखिए ना, इतनी रात गए, ऊपर से मूसलाधार बारिश और अकेलाबाद स्टेशन, ये भी कोई आने का समय है बाबू? यहाँ कोई वेटिंग रूम होगा? क्या हुजूर? वेटिंग रूम। वेटिंग रूम, राम 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 राम। अच्छछा साहब आप ऐसा कीजिए, वहाँ पे एक पूछताछ ऑफिस है, इंक्वायरी ऑफिस, वहाँ जाकर पूछ लीजिए। हाँ हाँ मैं स्टेशन मास्टर ही बोल रहा हूँ, स्पीकिंग। लेकिन हजी साहब अगर ट्रेन लेट हो गई तो मैं क्या करूँ? अरे मैं तो स्टेशन मास्टर हूँ, कोई इंजन ड्राइवर तो नहीं हूँ। है है देखिए देखिए, आप गाली मत दीजिए। नहीं अरे अजीत साहब आप तो मेरे सारे खानदान की कर रहे हैं। अजीत साहब मेरी तो माँ बहन ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल अकेला हूँ। ये तो फास्ट ट्रेन की तरह बोलते ही जा रहा, किसी स्टेशन पर रुकता ही नहीं। अरे कोई लाल झंडी दिखाने वाला है या नहीं तुम्हें? हैं अरे ये तो रुक गया, समझदार लगता है। थैंक यू साहब, क्या लाल झंडी दिखाई है आपने, आप भी रेलवे में काम करते? जी नहीं, एक बात बताइए, आप यहाँ के स्टेशन मास्टर भी हैं? अजी साहब अकेलाबाद स्टेशन में आपको हर जगह हमारे ही दर्शन होंगे, क्योंकि स्टेशन मास्टर मैं ही हूँ, बुकिंग क्लर्क मैं ही हूँ, इंक्वायरी ऑफिसर मैं ही हूँ, अजी साहब यहाँ पे बाथरूम इंचार्ज भी मैं ही हूँ। समझ गया समझ गया। अच्छा एक काम कीजिए जी, रात गुजारने के लिए कोई जगह बताइए। रात आप यहीं रुक जाइए ना। यहाँ? यहाँ क्यों, कोई वेटिंग रूम नहीं क्या? वेटिंग रूम तो है लेकिन वहाँ पे कोई वेट नहीं करता है, इसलिए हम उसे बंद रखते हैं। तो वेटिंग रूम खुलवाने का बंदोबस्त कीजिए। वेटिंग रूम आप यहाँ नहीं ठहरेंगे? नहीं नहीं वेटिंग रूम में ठहरेंगे, उसे खुलवाइए आप। ठीक है आप यहीं रुकिए, मैं अभी आता जी। राम चले बनवास भैया राम चले, ये लीजिए। ये तो रामायण है, चाबी कहाँ है? देखिए वेटिंग रूम के भीतर जाने के लिए रामायण की जरूरत पड़ती है, चाबी की नहीं। चलिए मेरे साथ चलिए। राम 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 राम। जब क्या आप किसको भगा रहे हैं स्टेशन मास्टर साहब? भूत को। भूत को? कहाँ है भूत? वेटिंग रूम में वेट कर रहा है, इसलिए आप इस बाकड़े पे सो जाइए, रखिए सामान। क्या कह रहे हैं आप? मैं सही कह रहा हूँ, रामायण को हाथ में रखकर झूठ नहीं बोलूंगा। एक ऐसी रात थी, बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, वेटिंग रूम में एक फर्स्ट क्लास पैसेंजर का खून टूट गया था। उस रात से उस आदमी का भूत उस वेटिंग रूम में आता है, न जाने कैसी कैसी आवाजें आती है। थोड़ा तुड़ूम रात सोचा था आज रात भूत के साथ गुजारनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ तो भूत के बजाय भूत नहीं निकले, वो भी खूबसूरत। हर मर्द लड़कियों से ऐसी ही बातें करता है। आप जरा एक मिनट के लिए बत्ती बिठा दीजिए या आंखें बंद कर लीजिए। किस लिए? साड़ी पहननी है। ठीक है आंखें बंद कर लेता हूँ। आप चाहें तो मुंह फेर सकते हैं। थैंक यू। साड़ी सुखा रही थी लेकिन अभी भी गीली है। हाँ तो ठीक है, सोते हुए लाइट बंद कर देंगे, आप साड़ी सुखा लेना। आप यहाँ सोएंगे? हाँ, इसलिए तो दरवाजा खोल के अंदर आया हूँ। लेकिन आप अंदर कैसे आई, बाहर तो ताला लगा हुआ था। ओ, इस नंबरी गेट से तो सिर्फ नंबरी आ सकता है। अगर मैं नंबरी हूँ तो आप भी नंबरी। मैं नंबरी हूँ, बुलाऊं पुलिस को? बुलाइए, मेरे साथ साथ आप भी जाएंगे। वो कैसे? मैं पुलिस से साफ साफ कह दूंगी, इन्होंने मुझे खिड़की से बुलाया और खुद ताला तोड़ के अंदर आ गए।
आपको ये कहते हुए शर्म नहीं आएगी कि मैंने आपको बुलवाया जबकि आप खिड़की से खुद आई हैं? जानती हैं इसका अंजाम क्या होगा? क्या होगा? पुलिस हम दोनों को पकड़ कर ले जाएगी, बदनामी होगी आपकी भी। चलो इस किस्से को यहीं खत्म कर देते हैं, मैं भी शरीफ आप भी शरीफ, दोनों शरीफ। अब आप अपना नाम बता दीजिए। समझी, पहले नाम फिर पता। देखिए नाम तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि बरसात की अंधेरी रात कमरे में आप और मैं, पता ना करे कहीं बिजली चली गई तो आप कहेंगी ए जी बिजली चली गई, मैं जवाब दूंगा ओ जी चली गई, फिर आप कहेंगी ए जी डर लगता है नींद नहीं आती, तो फिर मैं जवाब दूंगा ओ जी चलो ठीक है बातें कर लेते हैं। ओफो बकवास बंद करिए, मुझे नींद आ रही है। तो आप सो जाइए। कोई आदमी किसी लड़की को घूर घूर के देखता रहे तो नींद कैसे आएगी उसे? तो मैं क्या करूं, मेरी नींद तो जिद्दी बच्चे की तरह है। तो थपकियां दूं, लोरी गा के सुनाऊं? तब तो मजा आ जाएगा, शुरू हो जाइए। हरगिज नहीं। लेकिन बिना गाने के मैं नहीं सो सकता। तो आंखें फाड़ फाड़ के देखते रहिए, मैं चली सोने। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, राम राम कहूं बारंबारा चारे दो बाबा। वो गए कहां चले गए? कहीं भूत तो नहीं ले गया उठाकर? ताला भी कहा, दरवाजा भी खुला है, कहां जाने का है? बबुआ को ढूंढना ही पड़ेगा। हम स्टेशन मास्टर जो ठहरे, एक तरफ ड्यूटी दूसरा तरफ बूथ, हाथ में चाय का ट्रे, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बबुआ 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 कैसे? स्टेशन मास्टर साहब, कल रात जब मैं बाहर सो रहा था ना तो एक हाथ आया, बड़ा हाथ, मेरी गर्दन को पकड़कर यहाँ ले आया, और उसके बाद फिर बस मैं आपके सामने खड़ा हूँ। क्या ढूंढ रहे हैं बबुआ? वो लड़की, लड़की समझ गया समझ गया, वो भूत नहीं, भूतनी हो गई, भूतनी। वो भूतनी थी। लेकिन स्टेशन मास्टर साहब, आपने आपने तकलीफ क्यों की? अकेला बाद में बिल्कुल अकेला हूँ, और फिर बबुआ आप तो ठहरे रात भर के मेहमान, तो सोचा साथ बैठकर चाय पियेंगे और थोड़ी सी गपशप करेंगे। लीजिए चाय पीजिए। तो बबुआ, इस शहर में आप किसके वहाँ ठहरेंगे? मोहन कुमार। मोहन कुमार? अरे बाबू बाबू, मोहन कुमार बाबू कहो। क्या मतलब? अरे वो तो आपको वहाँ जाने के बाद ही पता चल जाएगा, आपके रिश्तेदार तो नहीं है ना? जी नहीं, मुझको उनसे एक जरूरी काम है। क्या आप जानते हैं उन्हें? लो, उन्हें कौन नहीं जानता, बड़ा मशहूर घराना है, कोई भी रिक्शा वाला आपको वहां ले जाएगा। अच्छा? हाँ हाँ। स्टेशन मास्टर साहब, ये बैग मैं आपके पास छोड़ जाता हूँ। हाँ हाँ छोड़ जाइए, इत्मीनान से छोड़ जाइए, मैं घरवाली से कह देता हूँ, वो संभाल के रख देगी। शुक्रिया। अरे दूसरी कप चाय तो पीते जाइए। नहीं शुक्रिया। अच्छा। मोहन बाबू हैं घर में? जी हाँ, क्या काम है उनसे? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। आप कहाँ से आए हैं? मैं बंबई से आया। बंबई से? मामा जल्दी आओ, देखो बंबई से कोई आए हैं।
अरे कौन आया है बम्बई से, उसे यहाँ लेकर आओ। तुम बम्बई से आए हो? जी। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं बेटा। जी मैं नवेंदु का दोस्त आनंद हूँ। तुम भी आनंद हो? मैं नवेंदु की माँ हूँ। इधर आओ बेटा, खुश रहो। नवेंदु हर चिट्ठी में तुम्हारे बारे में लिखता है। आज तुम्हें यहाँ देख कर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा नवेंदु वापस आ गया। अरे तुम वहां खड़ी खड़ी क्या बातें कर रही हो, उसे यहाँ लेकर क्यों नहीं आती? आओ बेटा, नवेंदु के पिताजी से मिलो। आओ आओ बेटा, आओ। देखिए अपना आनंद आया है। ओ, तुम नवेंदु की दोस्त हो ना? जी नमस्ते। आओ आओ बैठो बेटा। शुक्रिया। मैं तो घबरा ही गया था। क्यों? किसी के आने की खबर सुनता हूँ तो डर के मारे मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं। लगता है कोई बुरी खबर लेकर आया है। मुझे क्या मालूम था कि तुम आए हो। अब देखो ना, घबराहट में दवा की गोली ले ली। अब आप कैसे हैं? मुद्दत से इस पलंग पर पड़ा हूँ, चल फिर सकता नहीं। नवेंदु के वापस आने की आस लगाए बैठा हूँ। बड़ा होनहार है मेरा बेटा, लेकिन न जाने सब कैसे हो गया, क्यों हुआ, कुछ समझ में नहीं आता। कौन आया है माँ? ये तुम्हारे भैया के दोस्त हैं आनंद, और ये मेरी बड़ी बेटी नीला है। नमस्ते जी। नमस्ते। तो आप ही नवेंदु की बहन नीला हैं? जी हाँ। बैठो बेटा बैठो। जी बेटा, बहुत दिनों से नवेंदु की कोई चिट्ठी नहीं आई। वो खुश है ना? ठीक है ना? जी जी वो ठीक है। बेटे तुमने ये तो बताया नहीं, तुम्हारा आना कैसे हुआ? ओ, जी मैं जरूरी काम से आया। ओ, लेकिन तुम्हारा सामान कहाँ है? मैं स्टेशन पे छोड़ा है। नहीं नहीं, तुम्हें यहीं ठहरना होगा। नीला तुम इनके चाय पानी का इंतजाम करो। रजनी तुम आनंदू को नवेंदु के कमरे में ले जाओ, ये वहीं ठहरेंगे। नहीं बाबूजी रहने दीजिए। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारी कुछ नहीं सुनूंगा। देखो आनंद को किसी बात की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तुम पूरा ख्याल रखना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आइए बैठिए ना। भैया। भैया? हाँ आप मेरे भैया के दोस्त हैं ना, इसलिए आज से आप भी मेरे भैया हैं। और आज से तुम मेरी लाडली छोटी बहन हो। अच्छा ये बताओ तुम स्कूल क्यों नहीं गई? बताओ ना। आजकल मैं स्कूल नहीं जाती। क्यों? जब से भैया के पैसे आना बंद हुए हैं फीस नहीं दे सकी, स्कूल से नाम कट गया। अच्छा घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा नाम फिर से स्कूल में लिखवा दूंगा, लेकिन एक शर्त पे। वो क्या? तुम्हें शाम को गाना होगा। गाना? गाना तो मैंने बहुत दिनों से गाया ही नहीं। क्यों? जब भैया यहाँ पर थे तो दीदी मैं और भैया तीनों माँ और बाबूजी को गाना सुनाया करते थे, लेकिन जिस दिन से भैया यहाँ से चले गए हमारा दिल इतना टूट गया, हम इतने उदास हो गए कि अब गाने को जी नहीं चाहता। Thank you.
कौन हो तुम? सवाल मत पूछो, सीधा गाड़ी चला वरना ये चाकू तुम्हारी गर्दन के पार हो जाएगा। पीछे से वार करने वालों से मुझे सख्त नफरत है। ये वार नहीं, खुद की हिफाजत है। नए खिलाड़ी मालूम होते हो, साड़ी में छिपकर बैठने की बजाय पुलिस मेरा पीछा कर रही है। बहुत खूब, लगता है हम दोनों एक ही रास्ते के मुसाफिर हैं। डरने की कोई बात नहीं, सामने आकर बैठो। ये गाड़ी तुम्हारी है? मैं ठहरा जनता की संपत्ति, भला ये गाड़ी मेरी कैसे हो सकती है? तो ये गाड़ी तुमने चोरी की है? बिल्कुल नहीं, इधर का माल उधर करने में कभी कभी मैं जनता की गाड़ियां इस्तेमाल कर लेता हूँ। मतलब ये कि जो माल तुम्हारे हाथ लग गया तुम उसका इस्तेमाल कर लेते हो? ये तो माल माल पर मुनसर है। इस वक्त तो पुलिस की निगाहों में असल माल हम दोनों है, इसलिए बेहतर ये होगा कि इस खटारे को यहीं कहीं छोड़ दें और हम लोग भाग निकले। ए भाई, रुक क्यों गए? यहाँ से अपना राज शुरू होता है। इधर का माल उधर करने के बावजूद भी इतना बड़ा राज, लगता है इधर सब राजा ही राजा है, प्रजा कोई नहीं। ठीक कहा तुमने अगनपत, जल्दी से दो नौटाक भेज दे। अरे नहीं भाई, एक चाय मेरे लिए। क्यों, अभी तक चाय पी हो? चलो ठीक है, अतिथि भगवान का रूप होता है, एक चाय और एक नौटाक, गर्म गर्म पकौड़े भेज दे। इधर मत करो आनंद भैया, अभी भेज देता हूँ। ये मेरा फाइव स्टार होटल, शरीफों की जबान में गरीब खाना, यानी यूं कहिए कि आपका दौलत खाना। अरे दोस्त, हम लोगों का परिचय तो हुआ ही नहीं। मुझे नबिंदु कहते हैं। और मुझे आनंद। नाम के साथ दूसरी तारीफ? फिलहाल मैं किसी और तारीफ के काबिल रहा ही नहीं दोस्त, वरना एक जमाना था जब मैं किसी गरीब मगर शरीफ घराने का लड़का हुआ करता था। वक्त की बात है, समाज के ठेकेदारों यानी सरकार के पुलिस वालों की जुबान में आजकल मैं सुअर हूं, तो कभी सुअर का बच्चा हो तो कभी चोर की औलाद हो, क्या नहीं हूं मैं? क्यों? पुलिस से बचाकर पहले ही मुलाकात में सब कुछ जान लेना चाहते हो? करते क्या हो? वही जो तुम करते हो, फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारे पास ये फाइव स्टार होटल है और मेरे पास महज फुटपाथ। अगर दोस्त चाहो तो मेरे साथ इस फाइव स्टार होटल में रह सकते हो। क्यों, तुम्हारे घर वाले? अपने घर वालों के बारे में फिर कभी बताऊंगा। तुम्हारे घर में कौन कौन है? है बीमार बाप है, दो बहने हैं, एक भाई है। और माँ नहीं? हाँ माँ है, माँ है दोस्त, जो हर वक्त बेबसी और लाचारी में घुटती रहती है। वो मेरे से माँ ही नहीं, मेरी मित्र भी है, जो हर वक्त मेरे दिल में रहती है। नवेंदु, तुम यहीं रहो। यार मगर तुम्हें तकलीफ होगी। तकलीफ? तकलीफ नहीं, खुशी होगी एक शरीफ घराने के लड़के को अपना दोस्त बनाकर। आज से हम दोनों दोस्त। ये लीजिए चाय। इसकी खास जरूरत थी। अच्छा, मुझे यहाँ देखकर आप जरूर हैरान हुए होंगे। जिस रूप में मैंने आपको कल देखा था उसके बाद आप उस घर में देखकर मुझे क्या किसी को भी हैरानगी हो सकती है। आप ठीक कहते हैं, इसलिए हमारे बीच एक समझौता हो जाना चाहिए। कैसा समझौता? कल रात की बात पर पर्दा डालने का। वो तो मैं उस वक्त समझ गया था आपके आंख के इशारे से कि आप घर वाले आपके बारे में कुछ नहीं जानते। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछिए। यहाँ पूछना संपत्ति के खिलाफ होगा, किसने सुन लिया तो, इसलिए कहीं बाहर चलते हैं। चलिए। कहिए क्या कहना चाहते हैं? कल पुलिस तुम्हारा पीछा कर रही थी। लगता है दूध पीते बच्चे हैं। क्यों? हम जैसी लड़कियों का पीछा अगर पुलिस नहीं करेगी तो क्या कोई राजकुमार करेगा? मेरे सवाल का जवाब ये तो नहीं हुआ। अगर मैं इससे ज्यादा ना बताऊं तो? तो मैं तुम्हारे बारे में कुछ और सोचने लगूंगा।
इसकी मुझे परवाह नहीं है। परवाह करनी चाहिए, तुम बुराई और भलाई को अच्छी तरह जानती हो। जब कोई हमारी जैसी हालत से गुजरता है तो उसके लिए भलाई और बुराई में कोई फर्क नहीं रह जाता। ये सच्चाई है और इस सच्चाई का मैं खुद एक आईना हूँ। आईना असलियत को कभी नहीं छुपाता, तुम्हें बताना होगा। आनंद बाबू, आप एक अतिथि के अधिकार की सीमा को तोड़ रहे हैं। अतिथि के अधिकार की सीमा को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन ये मत भूलो तुमने खुद अपने मामले में मुझे घसीटा है। मैंने? कल ट्रेन में तुमने जानबूझकर अपना हैंडबैग मेरे सूटकेस के पीछे छिपाया था। कल हम अनजान थे। लेकिन मैं उस अनजान से नहीं, मैं बेंदु की बहन से पूछ रहा हूँ। तो सुनिए, इसकी वजह है मजबूरी, गरीबी, लाचारी। नहीं नहीं माँ, नहीं नहीं माँ, मैं अब किसी घर उधार मांगने नहीं जाऊंगी। धीरे बोल रजनी, तुम आनंद ने सुन लिया तो? बेटी, घर आए हुए मेहमान के खाने पीने का इंतजाम तो ठीक से करना चाहिए ना। तुम्हें बताओ माँ, मोहल्ले में ऐसा कौन सा घर है जहाँ से कुछ न कुछ उधार लेकर नहीं आई मैं। लेकिन मैं भी क्या करूँ, 2 महीने हो गए एक पैसा नहीं भेजा नविंदर ने। घर चलाऊ तो कैसे चलाऊ। जा बेटी। रजनी। हाँ बाजी, नविंदर ने 1000 रुपए दिए थे आपको देने के लिए। मैं भी तो कहूँ, मेरा नविंदु इतना बेफिक्र कैसे हो गया। वो तो अपनी जिम्मेदारी जान की तरह समझता है। बेटा, ये खबर तुम्हारे बाबूजी को दे आऊं, बहुत खुशी होगी उन्हें। आ रजनी। आनंद बाबू। हाँ? भैया ने चिट्ठी भी जरूर दी होगी, लाइए मुझे दीजिए चिट्ठी। चिट्ठी? हाँ, रुपए भेजे तो चिट्ठी भी भेजी होगी। हाँ चिट्ठी दी तो थी, लेकिन जाने जल्दी में काम छोड़ा। एक बात सच सच बताएंगे क्या? ये रुपए रहम के तो नहीं है? मैं समझा नहीं। यूं कहिए ना समझने का ढोंग कर रहे हैं। ढोंग? हाँ, मुझे ऐसा लगता है ये रुपए भैया ने नहीं भेजे। बड़ा शक्की स्वभाव है आपका। क्या करूं, चारों तरफ धुंधले धुंधले चेहरे देखकर विश्वास उठता जा रहा है। आनंद, अपना सामान लेने नहीं गए? माँ जी, मैंने सोचा मेरे यहाँ रहने से आप लोगों को तकलीफ होगी और फिर। तकलीफ कैसी बेटा, बहुत खुशी होगी। अजी सुनती हो, आनंद सामान लेने गया कि नहीं? बाबूजी मैं अभी जाता हूँ सामान लेने। मैं सामान ले आता हूँ। जाओ बेटा। सेन बाबू बोलिए। क्या? हाँ ट्रेन राइट टाइम पर छूट गई। अच्छा हाँ ठीक है। ये रेलवे को भी क्या हो गया, सभी ट्रेन राइट टाइम पर निकल रही है। अरे बबुआ, तुम्हारे लिए तो बड़ी फिक्र हो रही थी। मुझे भी आपके लिए फिक्र हो रही थी। क्यों? मेरी गाड़ी जंक्शन पे ही रुक गई थी। सूटकेस लेने आया हूँ। सूटकेस? हाँ हाँ तुम्हारा सूटकेस मैं अभी ले आता हूँ, आप यहीं ठहरिए। बबुआ ये लो तुम्हारा सूटकेस। चलो जी। अरे 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 विदाउट टिकट कहाँ जा रहे हो? मैं सरकार का नुकसान नहीं होने दूंगा। पैसे निकालो, मैं टिकट देता हूँ। घर जाने के लिए भी टिकट की जरूरत पड़ती है क्या? अब आप किसके घर जा रहे हैं बबुआ? आपके बाबू, बाबू मोहन कुमार बाबू के घर। आप काहे को मजाक कर रहे हैं बबुआ, पैसे निकालिए। नहीं मजाक नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। सच कह रहे? हाँ। इसका मतलब है आप जरूर किसी के चुंगल में फंस गए। देखो बबुआ, ट्रेन का समय हो गया, एक बार फिर से सोच लो। सोच लिया। सोच लिया क्या? मैं कुछ दिन यहीं रहता हूँ। ठीक है, जब आपने सोच ही लिया कि मैं कुछ दिन यहीं रहता हूँ, तो अपनी रक्षा के लिए बाजार से एक रामायण लेते जाइएगा। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ एक दिन आप मोहन बाबू के घर आइए और भाभी को भी लेके आइए, वो लोग बड़े सज्जन। और देखो अगर डर लगे तो रामायण के साथ साथ महाभारत भी ले आइएगा। नमस्ते। महाभारत? कहाँ जा रहे हैं आनंद भैया? एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। जल्दी वापस आइएगा। जल्दी वापस आ जाऊंगा मेरी छोटी बहन।
इसे ढूंढ ही नीला देवी। आप यहाँ कैसे? तुम्हारे सवाल के जवाब में मैं भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या? कल पुलिस तुम्हारा पीछा कर रही थी और आज तुम खुफिया पुलिस बनकर मेरा पीछा क्यों कर रही हो? आपको गलतफहमी हुई है। मुझे नहीं, तुम्हें, और वो भी शुरू से। मुझे आप पे शक है। ये तो औरतों का स्वभाव है, कोई नई बात कहो। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। समझौते के मुताबिक यहाँ नहीं, कहीं एकांत में। जब से मैंने फ्रॉक छोड़कर साड़ी पहननी शुरू की है, हर मर्द मुझसे एकांत में ही मिलना चाहता है। माफ करना, मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो एक जवान लड़की देखते ही उसके आगे पीछे घूमने लगते हैं। नीलू, जिस आदमी को हमने कभी देखा नहीं और जिसके आने के बारे में नबिंदु ने अपनी कोई चिट्ठी में कुछ लिखा नहीं, हम कैसे मान लें कि वही आनंद है जो नबिंदु का दोस्त है? नीना, मैं भी क्या करूँ, आनंद का नाम सुनते ही माँ और बाबूजी तो खुशी से पागल हो गए, किसी ने मेरी एक न सुनी। सिर्फ यही नहीं, उसने भैया के नाम से माँ को 1000 रुपए दिए हैं। हम दोनों जो काम करते हैं वो खतरे से खाली नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं वो पुलिस का आदमी हो? मैं कुछ भी हो सकता हूँ लेकिन पुलिस का आदमी नहीं। पुलिस वालों से दूर रहना पसंद करता हूँ। शायद आप ही मीना जी, आपके लिए एक तोहफा लाया। तोहफा? जी, खोल के तो देखिए, आपको पसंद आता है कि नहीं। देखें, है तो बहुत सुंदर। अब जरा याद करिए, क्या कभी किसी ने एक साड़ी देने का वादा किया था आपसे? भैया ने कहा था तुझसे? हाँ। अच्छा, हाँ, आपसे एक छोटी सी विनती है, आप लोग अपने दिलो दिमाग से पुलिस वाला चक्कर निकाल दें तो बहुत बेहतर है। देखा तूने, इस आदमी के बात करने का तेवर ही कुछ अलग है। संभल के रहना, कहीं बाद में तेवर कुछ और न लगने लग जाए। चुप है, जा जाके साड़ी बदल, देर हो रही। नबिंदु, अब तो तुम्हें नौकरी जरूर मिलेगी। तुम्हें कैसे मालूम? कोशिश करने से क्या कुछ नहीं मिलता। कोशिश करने से तो सब चीज मिल जाती है, मगर मेरा ख्याल है एक चीज नहीं मिलती। वो क्या? वो लड़की का प्यार। वो भी मिल जाएगा? दिलासा दे रही हूँ। अच्छा नबिंदु, जब तुम्हें अपनी पहली तनख्वाह मिलेगी तब तुम क्या करोगे? तब पहली तनख्वाह मिलेगी तो पूरी की पूरी तनख्वाह माँ के चरणों में रख दूंगा और फिर उनसे कहूंगा कि माँ इसमें से 100 रुपए मुझे दे दो। वो क्यों? एक ना समझ लड़के से प्यार जो कर बैठा। पहली तनख्वाह से उसे अगर एक नई साड़ी लाकर नहीं दी तो मेरा जीना मुश्किल नहीं करते। अविनाश बाबू आ रहे हैं। तो इसमें घबराने की क्या बात है? बिल्कुल ठीक कह रही है नीला, इसमें घबराने की क्या बात है। रजनी, मैं तो तुम्हारे ही घर आ रहा था, सोचा कि तुम्हें भी साथ ले लूं, मगर तुम डर गई। बड़ी भोली हो, ये भोलापन मुझे बहुत पसंद है। आप ठीक कहती हैं अविनाश बाबू, रजनी बहुत भोली है। इस बार काफी दिनों बाद आया हूँ। रोज भी आए तो आपको कौन रोक सकता है, इसीलिए तो बिना संकोच आ जाता हूँ। कहिए मोहन बाबू, अब आपकी तबीयत कैसी है? बस, अब तो बाकी जिंदगी भी इसी बिछौने पर गुजर जाएगी। छी छी छी, कैसी बातें कर रहे हैं आप। किसी नर्सिंग होम या अस्पताल में दाखिल कर दूंगा, वहां आपका इलाज अच्छी तरह से हो जाएगा। आप जैसे इंसान को ऊपर वाला लंबी उम्र देता है। क्या यही कहने के लिए आप यहाँ आए हैं? क्यों नहीं, क्यों नहीं, इनका इलाज करवाना मेरा फर्ज है और फिर मैं हूँ इस परिवार का दोस्त, फैमिली फ्रेंड। हाँ हाँ, ठीक कह रहे हैं। अविनाश बाबू, आप एक खैराती अस्पताल क्यों नहीं खुलवा देते? गरीबों पर उपकार होगा। इस परिवार को अपने नसीब पर ही छोड़ दीजिए। तुम्हारी इन बातों से मुझे बहुत दुख हुआ, सदमा पहुँचा। अच्छा, आपको दुख भी होता है, सदमा भी पहुँचता है? नीला जी, तुम ओ आओ बेटे,
ये कौन सा बेटा है आपका? ये मेरे बड़े बेटे का दोस्त है, आनंद। अच्छा, मैंने पहले कभी नहीं देखा। जी, मैं बंबई में रहता हूँ। अच्छा, नभेंदु क्या तुम्हारे साथ रहते हैं? काम क्या करते हो? आपसे मेरा अभी तक परिचय नहीं हुआ। आपका शुभ नाम? मैं अपने मुंह से अपना नाम नहीं लिया करता, मगर तुम इस शहर में नए हो इसलिए बताता हूँ। मुझे अविनाश गुप्ता कहते हैं। आप शायद नहीं जानते कि अविनाश बाबू के कितने कारखाने हैं और इस शहर के आधे से ज्यादा मकान इनके पास गिरवी हैं। ओहो, तब तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज आप जैसे महान व्यक्ति से मेरा परिचय हो गया। लेकिन आपने अब तक ये नहीं बताया कि आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की। आज मेरे घर बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। रजनी अच्छा गाती है तो सोचा कि उसको ले जाओ। अविनाश बाबू, आपने मुझे नहीं याद किया, मैं भी ठीक ही गा लेती हूँ। तुम अगर आ जाओ तो महफिल में चार चांद लग जाएंगे। अविनाश बाबू, शायद बाहर आपका ड्राइवर आपका इंतजार कर रहा है। क्या मतलब? मतलब ये कि रजनिया नीला आपके साथ नहीं जाएंगे। तो क्या मैं ये समझूं कि इस घर के लोग तुम्हारे इशारे पर चलते हैं? क्यों नीला? शाम को गाड़ी भेज दीजिएगा। नीला, आनंद बाबू, ये हमारा निजी मामला है। अविनाश बाबू, रजनी नहीं, मैं आऊंगी। बेशरम, बेशरम दे है। बोल, तू क्यों जाने को तैयार हुई? क्यों जाने को तैयार हुई? उसे ना कहने की शक्ति हम में नहीं है। क्या आप तुम ये कहने आई हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? आप मुझे गलत समझ रहे हैं आनंद बाबू। नीला, तुम गलत कदम उठा रही हो। अविनाश जैसे आदमी के यहाँ तुम्हारा जाना ठीक नहीं। मैं समझती हूँ, लेकिन हमारी कुछ मजबूरियाँ हैं। अविनाश चाहे तो हमें फुटपाथ पे खड़ा कर सकता है, अपने आदमी से रजनी को उठा सकता है, इसलिए हम उसे दुश्मनी नहीं मोल ले सकते। लेकिन मैं मोल ले सकता हूँ। कब तक? जब तक मैं यहाँ। और उसके बाद? क्या यहाँ कोई शरीफ इंसान नहीं रहता? रहते क्यों नहीं, लेकिन डर के मारे कोई मुंह नहीं खोलता। पैसे में बड़ी शक्ति है आनंद बाबू, शायद आप इस शक्ति को नहीं समझते। पहले मैं भी यही सोचा करता था, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि दुनिया में एक और भी शक्ति होती है। आप किस शक्ति की बात कर रहे हैं? अगर कोई और शक्ति होती तो मेरे होनहार भाई को तड़ी पार क्यों किया गया? एक बीमार बाप के सामने एक बदमाश की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसकी बेटी को नाचने के लिए बुलाया? आनंद बाबू, मैं किसी भी कीमत पे अपने परिवार को फुटपाथ पे जाने से रोकना चाहती हूँ, और कुछ नहीं। जानते हो आनंद, जिस दिन मैंने बीए की डिग्री अव्वल दर्जे से हासिल की, उस दिन मेरे घर वाले इतना खुश थे कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। ये तुमने अव्वल दर्जे से पास किया और स्मगलिंग कर रहे हो पुलिस तुम्हारे पीछे? इसी को किस्मत कहते हैं आनंद, इसी को किस्मत कहते हैं। जब पिताजी ने मुझे बताया कि बीए की इस डिग्री को हासिल करने के लिए मेरी माँ के एक गहने बिक गए, पुरखों का हमारा मकान गिरवी रखना पड़ा। लेकिन बीए पास करने के बाद भी तुम्हें अच्छी नौकरी नहीं मिली? अच्छी अच्छी और बुरी का सवाल नहीं पैदा होता आनंद। दर दर की ठोकरें खाने के बाद मुझे उसी अविनाश के पास जाना पड़ा जिसके पास हमारा मकान गिरवी पड़ा है। उसने मुझे फौरन नौकरी दे दी। जानते हो कितने महीने की? 500 रुपए महीने की। उसके बाद मेरे कहने से उसने मीना को भी नौकरी दे दी। मीना, जिसे मैं प्यार करता हूँ, वो बेचारी भी गरीबी की मारी थी। लेकिन अविनाश की शराफत के पीछे एक राज था आनंद। कैसा राज? अविनाश ने एक दिन मीना को अपने घर बुलाकर जबरदस्ती उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की। अचानक मैं वहां पहुंच गया और मैंने देखा वो बदमाश मीना को अपनी बाहों में जकड़े हुए और मीना चीख चीख कर अपने को बचाने की कोशिश कर रही है। फिर मुझे बहुत गुस्सा आ गया आनंद। मैंने अविनाश को इतना मारा कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। उसकी चीख सुनकर लोग वहां जमा हो गए और मैं मीना को लेकर भाग निकला। नभेंदु, आनंद, ये डिग्री नहीं, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। चीख करता इसे जलाकर राख कर दो। पागल मत बनो नभेंदु, शिक्षक की भी एक कीमत है, एक सम्मान। सम्मान, सम्मान, हाँ सम्मान, तुम सम्मान की बात कर रहे हो आनंद, तुम सम्मान की बात कर रहे हो। मैं यहाँ हूँ, न जाने इस वक्त नीला और रजनी पे क्या गुजर रही होगी। अविनाश बाबू,
अविनाश बाबू गाड़ी लेकर आ गए हैं, दीदी जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब क्या होगा आनंद भैया? घबरा नहीं रजनी, मैं जो हूँ। हम लोग बहुत गरीब हैं आनंद भैया, हमारी इज्जत आप ही के हाथों में है। क्या आप हमारी इज्जत नहीं बचा सकते? आप हमारे घर को बदनाम होने से नहीं बचा सकते आनंद भैया, बचा लीजिए हमारे घर को। नहीं नहीं नहीं, मैं तुझे उस बदमाश साथ नहीं जाने दूंगी। नहीं माँ, मुझे जाना ही पड़ेगा हम सबकी भलाई के लिए, और देखूं तो सही वो मेरा क्या बिगाड़ सकता है। नहीं नीला, दरवाजा बंद करके आप नीला को रोक सकती हैं, अविनाश को नहीं। घबराइए नहीं, मेरे होते हुए आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऑन बजाकर अपनी बैटरी डाउन मत करो अविनाश गुप्ता। क्या कहना चाहते हो? कि जिसके लिए आप हॉर्न बजा रहे हैं वो नहीं आएगी। तुम कौन होते हो कहने वाले? मैं आप सुनने का आदी हूँ। आप आजकल इस घर की जवान छोकरियों की निगरानी आप कर रहे हैं? आप जैसे लोगों की मेहरबानी से। मेरा परिचय तो आपको मिल चुका है। तारीफ तो सुन चुका था, आज परिचय भी हो गया, इसलिए आज आपके सामने खड़ा हूँ। मैं नहीं चाहता कि इस शहर में आपको कोई तकलीफ हो। मैं हर तकलीफ का स्वागत कर सकता हूँ। सांप के तुम पर तुम जैसे नादानी पैर रखते हैं। मैं तुम पर नहीं, फन पर पैर रखता हूँ अविनाश गुप्ता। अविनाश गुप्ता सबर से काम लेना जानता है। रहना मेरे भक्तों, जब कोई मिले हसीना, हाँ जी जब कोई मिले हसीना, गोरी गोरी हर गोरी का, गोरी गोरी हर गोरी का, दिल है काला काला, निकल गया दीवाला उनका, जिनका पड़ गया पाला, हाँ जी जिनका पड़ गया पाला, दादा तरिकित दादा तरिकित दादा तरिकित दादा, सभी जहर की पुड़िया है ये, रजनी हो या राधा जी, रजनी हो या राधा, हाँ जी रजनी हो या राधा, कच्ची कच्ची कलियां बिल्कुल कच्ची कलियां है यार, नक रही उनके ज्यादा, दूर दूर से दर्शन करना, हाँ दूर दूर से दर्शन करना, कभी न करना वादा इनसे, कभी न करना वादा इनसे, कभी न करना वादा, दादा सब्र का फल है मीठा रे मीठा मीठा, सब्र का फल मिठुआ रे मिठुआ, सब्र का फल मिठुआ रे मिठुआ, धीरे धीरे धर धीरज तू, धीरे धीरे धर धीरज तू, कह गए बाबा बबुआ बबुआ, सब्र का फल मिठुआ रे मिठुआ, सब्र का फल मिठुआ मिठुआ मिठुआ। संतोष की माला माला वावा वावा, माला माला पहन के तू संतोष की माला, अपने मन को मार ले ताला, अपने मन को मार ले ताला, धीरज की सीमा ना टूटे, धीरज की सीमा ना टूटे, यही प्रीत की रितवा रितवा, सब्र का फल मिठवा, मीठा मीठा सब्र का फल, आज नहीं तो कल, मीठा 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 मीठा, सब्र का फल मिठवा मिठवा। Da 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 da
संभल संभल कर चलना, का कहता है गोरी गोरी गोरियों से बचना। माँ ओ माँ, मामा 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 रे मामा, माँ कहता है मोह माया में न फंसना न फंसना। कहता है धन दौलत का चक्कर, नी कहता है नहीं 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 नहीं। सा कहता है समझ समझ रे मनवा रे मनवा रे मनवा। धनी दमक धनी धनी सग मदनी खबर का पल है मिटुआ रे मिटुआ, जल्दी जल्दी का है फल कड़वा रे कड़वा। सबर का सबर कप सबर कप मिठुआ रे मिठुआ। आज तो धंधे चौपड़े बड़ो। अरे बाप रे बाप, ये तो कोई शहर का नया बकरा है बड़ू, चिकना है लेकिन। ये रिक्शा वाले, अबे ठहर जा सुना रहे, कुंदन सेठ आ रहे हैं। नमस्ते। नमस्ते साहब, सुबह से चलते चलते मेरे घुटने के नट बोल्ट है ना, और ढीले हो गए और कुछ बैटरी भी डाउन होने वाली है। तो कुछ नहीं, अगर आपको एतराज ना हो तो थोड़ी लिफ्ट दे दीजिए, मैं आगे आके बगल में बैठ जाता हूँ और थोड़ी दूर पे उतर जाऊंगा तो ठीक होगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू। चल रामदेन, मुझे आगे के चौराहे पे उतार देना भैया। साहब आपके पास सिगरेट तो होगी? सिगरेट एक और प्लीज। क्यों? ये तो अभी के लिए, और दूसरी खाने के बाद हाजमे के लिए। सुबह से एक भी नहीं थी, और साहब थोड़ी देर और नहीं पीता ना मैं तो मुझे कैंसर हो जाता। सिगरेट ना पीने से कैंसर होता है? जी हाँ। इसकी सहेली तो होगी आपके पास? सहेली? इसकी गर्लफ्रेंड, वो माचिस? माचिस नहीं मेरे पास। एक काम करो जी, तुम उतर के सामने की दुकान से माचिस ले लो। रामदीन गाड़ी रोकना रोकना, आता हूँ मैं। चलो रामदीन। अजीब लड़का है। रामदीन मालूम रुक जा, ए रिक्शा रुक, ए क्यों बड़े भाई? पानी में अगर मगरमच्छ से बैर। कहना क्या चाहते हो? कहना नहीं, लेना चाहता हूँ। क्या? दस दस की दो पत्तियाँ। तो किस खुशी में? खुशी में नहीं मालिक, जुर्माने की। मुझे चकमा देने के जुर्माने में। और अगर नहीं दिए तो? हाँ, अगर नहीं दी तो? बम देखा है? बम? बम? हाँ, कैसा था मालूम है? कैसा था? दिया नहीं दिया। हाथ है क्या? हाथ तोड़ा फोड़ा ला। देख लूंगा बेटे। अबे जरा पता करना है टपोरी किसके घर में आया। हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है? माँ खाने लगा, बहुत भूख लगी है। हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है? एक मेम जाबे कुस्तुन तुनिया। ये शाप कौन है? ए रजी इधर। अरे जरा क्या है ये कबूतर वंश? कौन है? आनंद भैया आए हैं, भैया के दोस्त।
ओफो, वो बम्बैया हीरो वो। फिर वही बदतमीजी? अरे बाबा मैंने क्या बुरी बात बोल दी है, हीरो ही तो बोला है, विलन तो नहीं बोला ना। अच्छा खैर एक बात बता, ये माशे यहाँ ठहरेंगे कितने दिन? परसों ही तो आए हैं और तुम जाने की बात कर रहे हो। मैं पूछती हूँ तुम्हें किस बात की चिंता? अरे बाबा मुझे बस एक बात की चिंता है, आजकल राशन नाप तोड़ कर मिल रहा है, ऊपर से माशे आ गए हिस्सा बांटने के लिए। चुप रहे, उसने सुन लिया तो? तू नहीं जानती कुसुम दुनिया, फुकर की रोटी तोड़ने वाले सुनकर भी बहरे बन जाते हैं। अरे इसने खाना खा लिया क्या? नहीं नहीं। अरे खाना खाने से पहले इतनी जोर से खर्राटे मार रहा है, खाना खाने के बाद तो मालूम नहीं क्या करेगा। कुंदन आया माँ, भूख लगी माँ, भूख लगी, भूख लगी माँ। घर में तू आता है तो सिर्फ खाना खाने के लिए ही आता है, भगवान जाने सारे दिन भर कहाँ रहता है क्या करता है। अरे माँ माँ इसके एक मत सुनो, ये कुछ नहीं करता है। ए तू चुप। माँ मैं काम करता हूँ। काम करता? क्या काम करता है? जो अपने, और अगर काम करता है तो पैसे किधर जाते हैं? पैसे? अरे बोलना। अरे माँ अभी तुम्हारे हाथ में दस दस की दो पत्तियाँ होती। वो पत्तियाँ हवा के झोंके में उड़ गयी। यही है मेरा छोटा बेटा कुंदन, और कुंदन ये है तुम्हारे भाई के दोस्त आनंद। बैठे बैठे मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। तुमने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमारी दूसरी मुलाकात तुम्हारे ही घर में होगी। नहीं कभी नहीं, सपने में भी नहीं। नवेंदु का भाई मस्तान होगा, मैंने भी कभी सपने में नहीं सोचा था। कोई दूसरी बात कहिए ना, दूसरी बात। अरे आराम से खाओ, धीरे धीरे। बकरी के सर पे भेड़िया खड़ा हो तो क्या बकरी आराम से खा सकती है? ऐसा काम करते ही क्यों जिससे बकरी बनना पड़े? गुरु या तो खाना खाने दीजिए या भाषण दीजिए, दोनों चीजें एक साथ हजम नहीं होती। अरे इतनी जल्दी खा लिया? आज के लिए बहुत हो गया, बहुत हो गया। अकेला कहीं खा, ले लो बेटा। माँ जी इतना सारा खाना? ये तो कुछ भी नहीं है बेटा, अपने घर जाते तो न जाने क्या क्या बनाकर खिलाती तुम्हारी माँ। कहाँ है तुम्हारी माँ? कहाँ है तुम्हारी माँ? क्या बात है बेटा, किस सोच में पड़ गए? मेरी माँ नहीं है माँ जी, मेरा कोई भी नहीं है। तो क्या हुआ बेटा, मैं जो हूँ मुझे ही अपनी माँ समझ लो। पंखा रहने दो बहन, तुम्हारे हाथ दुखने लगेंगे। भाई को पंखा चलने से बहन के हाथ कभी नहीं दुखते। आप खाना खाइए ना, आज अगर नवेंदु तुम्हारे साथ होता तो कितना अच्छा होता। अरे हाँ मैं तो पूछना ही भूल गई, तुम जिस काम के लिए आए हो वो काम हो गया क्या? माँ जी जिस काम के लिए आया हूँ सोचा बड़ी आसानी से कर लूंगा, लेकिन वो काम इतना मुश्किल हो जाएगा कभी सोचा भी नहीं था। तुम जिस काम के लिए आए हो वो काम हो गया क्या? माँ जी जिस काम के लिए आया हूँ सोचा बड़ी आसानी से कर लूंगा, लेकिन वो काम इतना मुश्किल हो जाएगा कभी सोचा भी नहीं था। क्या माँ जी आप रो क्यों रही हैं? रोने तो और क्या करूं बेटा, कौन माँ ये सह सकती है कि इतनी रात गई उसकी जवान बेटी बिना कुछ कहे कैसे भाग जाए। अरे माँ जी चिंता ना कीजिए, वो मीना के घर गई होगी, मुझसे भी वहां जाने के लिए कह रही थी। हाँ हाँ मेरी बात मानोगे बेटा? हाँ माँ जी कहिए ना। मुझे मुझे इतना पता लगा कर बता दो कि नीला ज्योति कहाँ है, क्या काम करती है, वो दफ्तर कहाँ है। जरूर बताऊंगा, आप घबराइए नहीं, उठिए उठिए आप आराम से जाके सो जाइए, सब ठीक हो जाएगा।
लाइए रुपए। अब्दुल्ला किसी से फोकट पे काम नहीं लेता। माल तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, ये लो रुपए। मुझे और कुछ रुपयों की जरूरत है। कितने? 200। अब्दुल्ला यूं ही रुपए नहीं फेंकता। मुझे भी मुफ्त में रुपए मांगने की आदत नहीं है, काम करके सब चुका दूंगी। अब्दुल्ला कभी किसी को पेशगी नहीं देता, लेकिन हाँ एक शर्त पर दे सकता है। किस शर्त पर? अब्दुल्ला की जेब का मुंह खुला है, हाथ डालो और माल निकाल लो। अब्दुल्ला? अब्दुल्ला नहीं, अब्दुल्ला जान कहो मेरी जान। ऐसे अब्दुल्ला जान के रुपयों की मुझे जरूरत नहीं है। आप इतनी रात गए यहाँ? तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं किसी खास काम से बाहर गई थी। तुम किस खास काम से बाहर गई थी मैं जानता हूँ। जब आप जानते ही हैं तो इंतजार की वजह? माँ जी तुम्हें अपने कमरे में नहीं देखकर परेशान हो गई थी, मुझे उनसे झूठ कहना पड़ा कि तुम मीना के घर गई हो। आप इतनी आसानी से झूठ बोल लेते हैं? कभी कभी बोलना पड़ता है। तो क्या मैं ये समझूं कि आपने आज तक जो कुछ कहा वो सब झूठ है? जब एक जवान लड़की आधी रात को घर से बाहर चली जाए और उसकी माँ बेबसी से रोती हो, तो उसे दिलासा देने के लिए अगर कोई झूठ बोलता है तो उस झूठ को झूठ नहीं कहते। नीला, तुम गलत काम कर रही हो। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। नीला, भगवान के लिए काम छोड़ दो, इसमें सबकी भलाई है। छोड़ दूंगी जिस दिन भैया आएंगे। ये लो। नहीं नहीं नहीं, ये सब चीजें मुझे नहीं चाहिए। ये सारी चीजें लाकर तू मुझे खुश करना चाहती है? बात क्या है माँ? पहले बता ना, तू कल रात कहाँ आ गई थी? किसी को मत लेके आ। मेरे पास छोड़ो। नहीं नहीं छोड़ो, नहीं छोड़ो, पहले बता। पता? मीना के यहाँ गई थी। ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई थी जो रात को गई? सुबह नहीं जा सकती थी क्या? माँ तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं, भरोसा नहीं? अंधा भी भरोसा नहीं करेगा। जब जाती है घर से निकल जाती है, रात रात भर घर से गायब रहती है और फिर कहती है जब भरोसा नहीं, विश्वास नहीं। मैं जो कुछ कर रही हूँ तुम्हारे और तुम्हारे परिवार का पेट भरने के लिए कर रही हूँ, अपने ऐश के लिए नहीं। क्या? आज तुमने इतनी बड़ी बात कह दी मुझसे। अगर मेरा नवेंदु होता तो क्यों खाती मैं तेरी कमाई? माँ हे भगवान, तो मुझे उठा क्यों नहीं लेता, उठा क्यों नहीं लेता? माँ मुझे मार कर तू खुद रोने लगी। क्यों था मेरा हाथ तुझ पर? क्यों रो रही हूँ मैं? क्या दुख है मुझे, ये तू नहीं समझ सकती, नहीं समझेगी। मुझे माफ कर दो माँ, मैं गुस्से में न जाने क्या कुछ कह गई। मेरी तरफ देखो माँ, मेरी मजबूरी को समझो, मेरे दुख को समझो माँ। आप क्या कर रही हो रजनी? रंगोली। रंगोली? इतने बड़े हो गए हैं आप और रंगोली को नहीं जानते? अरे भैया, पूजा से पहले घर में रंगोली बनाई जाती है और आज घर में पूजा है। कौन? आनंद जी। यहाँ आओ बेटे, आओ बेटा, आओ। जी बाबूजी। अच्छा हुआ तुम आ गए, सब लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। मेरा क्यों? तू ही।
आप यहाँ? क्या बात है रजनी? आप यहाँ अंधेरे में बैठे हुए हैं और मैंने आपके लिए सारा घर छान मारा है। लीजिए, मैंने आपके लिए चंदन मिश्रा प्रसाद भेजा है। ओ। भगवान के प्रसाद में इतनी शक्ति है, मुझे नहीं मालूम था। क्या मतलब? आपने शराब फेंक दी? सिर्फ फेंकी नहीं, उसे हमेशा के लिए अलविदा कर दिया। ये अकलमंदी आप में कब से आई? कब से मैंने महसूस किया कि शराब पीकर झूठ बोलना बहुत मुश्किल होता है। आपको झूठ बोलने के लिए किसने कहा था? तुमने ही तो कहा था। मैंने? मैंने कब कहा था? पहले दिन झूठ बुलवाया अपने घरवालों को अंधेरे में रखने के लिए। क्या तुमने इशारा नहीं किया था? वो तो मेरी मजबूरी थी, लेकिन आपकी क्या मजबूरी है? कुछ ऐसी बातें होती हैं जो इंसान के लिए कहना बहुत मुश्किल होता है। वो नशे की हालत में ही कह सकता है। ऐसी कौन सी बात है जो आप नशे की हालत में ही कह सकते हैं? शराब की बोतल टूटते ही बात भी खत्म हो गई। पाए लागे हुजूर। आओ आओ, इस हाथ को क्या हुआ? इसे छोड़िए हुजूर, ये बताइए कि आपने इस गरीब स्टेशन मास्टर को कैसे याद किया? क्या कह रहे हो मास्टर साहब, तुम्हें याद न करूं तो किसे करूं? तुम तो मेरे मित्र हो। भला मैं आपका मित्र कैसे हो सकता हूं अविनाश बाबू? मैं तो आपसे बहुत दूर रहता हूं। अब मेरा मतलब है कि आपके घर से तो स्टेशन बहुत दूर है, इसलिए दूर रहता हूँ। जब आप बुला लेते हैं तो मित्र बन जाता हूँ, नहीं तो वही दूर का दूर। कहिए मास्टर साहब, क्या पिएंगे? ठंडा 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 पानी। ओ पानी, मास्टर जी के लिए सुरई का पानी, मेरे लिए बोतल का। हाँ तो अविनाश बाबू, आपने जो मुझे 2 बैगन रिजर्व करने को कहा था सो तो मैंने कर दिया है। अब ये बताइए कि मुझे कैसे याद फरमाया? क्या कोई तीर्थ यात्रा जाने का विचार है? तीर्थ तो लोग पुण्य के लिए जाते हैं, मैंने पापी कहाँ किया जो तीर्थ जाऊँ। वाह 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 वाह, क्या बात कही है हुजूर, आप और पाप, पाप तो आपसे कोसों दूर भागता है। लेकिन जरा जल्दी कीजिए क्योंकि मैं स्टेशन देरी से पहुंचूंगा तो मुझे लाल झंडी दिखा देंगे। कहिए क्या बात है? तुम आनंद को जानते हो? वो जो मोहन बाबू के घर पे ठहरा है। हाँ? यानी कि हमारा आनंद? तुम्हारा आनंद? हाँ हाँ, मेरा आनंद, हमारा आनंद। अजी मैं क्या बताऊँ अविनाश बाबू, वो तो इतना भाग्यशाली है कि उसके कदम पड़ते ही मेरी जो सरानपुर को बदली होने वाली थी उसको तो लाल झंडी मिल गई है। मेरी बदली रुक गई हुजूर। आनंद का नबेंद्र से क्या रिश्ता है? दोस्ती का, लेकिन ये रिश्ता बदल भी सकता है। वो कैसे? दोस्ती से साले बहनोई का रिश्ता बन सकता है। लेकिन लाल झंडी दिखाने के लिए मैं जो बैठा हूँ। लेकिन अविनाश बाबू, आपकी का एक लाल झंडी दिखाने से कहीं एक्सीडेंट हो गया तो दोनों खाए एक्सीडेंट है। समझ गया हुजूर, अपनी घंटी थोड़ी देर से बजती है हुजूर। आपने जो समाचार दिया जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अविनाश बाबू, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। हमने जो आपको बताया है ना, आप किसी काले कौवे को भी मत बताइएगा। हाँ, क्योंकि अगर आप बताएंगे तो ट्रेन पटरी से उतर सकती है। भैया क्या देख रहे हो? सरजी, मैं उसे देखने की कोशिश कर रहा हूँ जो अभी यहाँ से गुजरा है। मगर दोपहर के समय यहाँ से कौन गुजरेगा? ये तो मैं भी सोच रहा हूँ, वो था कौन? आपको वहम हुआ है, मुझे लगता है आपने किसी की परछाई देखी होगी। परछाई? हाँ, दोपहर को यहाँ बहुत से बंदर आते हैं और बहुत उधम मचाते हैं। बंदर? हाँ। अच्छा, तो कल उस बंदर को आने दो, उसका स्वागत अच्छी तरह से करूंगा। जाने दो ना भैया, दोपहर के समय आराम करना चाहिए। आराम आराम। लेकिन रजनी एक बात है, वो बंदर किसी सर्कस का था। सर्कस का? हाँ, तभी तो साइकिल पर आया और घंटी बजाते बजाते चला गया। ओहो छोड़िए ना भैया, इस बंदर के चक्कर में क्यों पड़ते हैं आप? जब चला ही गया है उसके बारे में सोचने से क्या फायदा है ना? क्वाइट राइट।
क्या देख रहे हो? बहुत गंदा है मेरा कमरा। गंदा? नहीं तो? हाँ हाँ बहुत गंदा है। मैं अभी झाड़ू लेके आती हूँ। मैंने कहा था ना भैया इतना गंदा है, इतना सारा कचरा। बहुत गंदा है। अच्छा देखो जब सफाई खत्म हो जाए तो कागज का टुकड़ा वहाँ पड़ा हो। कागज का टुकड़ा कहाँ है? वन वन और कौन है? अरे अरे सफाई खत्म हो गई? हाँ हो गई कचरा तो। फिर रजनी आज शाम को 4:30 बजे जरूर आना, वही अपनी जगह पर। टाइम क्या हुआ भाई? 4:30। 4:30 क्या आप किसी का इंतजार कर रहे हैं? हाँ एक लड़की का, उसने कहा था यहाँ 4:30 बजे मिलने को। लगता तुम भी किसी का इंतजार कर रहे हो। तुम्हारी लड़की ने कितने बजे का टाइम दिया था? अरे भाई शर्माओ नहीं, बोलो बोलो। जी 4:30 बजे। हाँ 4:30। 4:30? कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम दोनों एक ही लड़की का इंतजार कर रहे हैं? नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, मेरी रजनी ऐसा कभी नहीं कर सकती। रजनी? कहीं तुम मोहन बाबू की सबसे छोटी बेटी रजनी का इंतजार तो नहीं कर रहे? हाँ आप उसे पहचानते हैं? पहचानता हूँ, जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ। उसने तो कहा था मुझे 4:30 बजे आने को। रजनी ने? हाँ। इसका मतलब उसने मुझे धोखा दिया? सच्चे प्रेमी लगते हो। नहीं नहीं तुम्हारी रजनी ने तुम्हें धोखा नहीं दिया, मैं तो तुमसे मिलने आया था, उससे तो मालूम ही नहीं। लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। पहचान जाओगे? कुछ पढ़े लिखे भी हो या यूं मजनू छाप हो? जी मैं बीकॉम पास हूँ, इंटरनेशनल टिम्बर मार्ट में काम करता हूँ। रजनी से शादी करोगे? रजनी के लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। छी, जान दे दोगे तो फिर शादी कैसे होगी? मैं तो आया था परखने तुम्हें। तो फिर आपने मेरे बारे में क्या सोचा है? वाह अभी इम्तिहान दिया और अभी जानना चाहते हो नतीजा। लेकिन आनंद यहाँ क्यों आया है, कुछ मालूम कर सके? सरकार हमने अपनी तरफ से हमारे सामने हमारे शहर में वो छोकरा सीना तानने की हिम्मत करे। सरकार आप हुक्म करें तो जैसे नोबिंदो को तड़ी पार करा दिया, इसको दुनिया से पार कर दूं और उस छोकरी नीला को आपके पैरों पर फेंक देगा। नहीं 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 ये गुंडागर्दी मुझे पसंद नहीं। नीला काम तो ठीक से कर रही है ना? जी हाँ लेकिन आजकल जरा ऊंची आवाज में बोलने लगी है। बोलने का सहारा जो मिल गया। क्या उसे मालूम है कि तुम दोनों हमारे आदमी हो और वो हमारे पास काम करती है? नो सर नो। आनंद नबेंदु का दोस्त है और नबेंदु का तरीपार किया गया है। मुझे सिर्फ आनंद का फोटो चाहिए, फोटो। आनंद भैया हम तो ऐसी जगह पहुंच गए हैं जो मुझे बहुत ही पसंद है। तुम्हें पसंद है इसलिए तो तुम्हें यहाँ लाया हूँ। आपको कैसे पता चला मेरी पसंद का? तुम्हारे चेहरे से। मेरे चेहरे से? हाँ हर बात चेहरे पर लिखी होती है। अच्छा तो ये बताइए और क्या क्या लिखा हुआ है मेरे चेहरे पे? तुम्हारे चेहरे पर लिखा है कि अभी वो बंदर आने वाला है। कौन सा बंदर? वही जो उस दिन खिड़की से चिट्ठी फेंक गया था। आप मुझे बुद्धू बना रहे हैं? बुद्धू को बुद्धू कौन बना सकता है। अच्छा मैं चलता हूँ, तुम यहाँ उस बंदर का इंतजार करो। अजय तुम यहाँ कैसे? खुद ही बुलाया और खुद ही पूछ रही हो तुम यहाँ कैसे? ओह आप समझी, ये सब आनंद भैया का चक्कर है। ये आनंद भैया है कौन? परी भैया के दोस्त, हमारे यहाँ ठहरे हुए हैं। चलो अच्छा हुआ मिलने का मौका तो मिल गया। अरे भाई एक बात याद आई है आते आते, हालांकि लेकिन मगर गोया छूके छुनाचे किंतु परंतु सोचा है कि कह दो जाते जाते। क्या एक बात आई है आते आते, एक बात आई है आते आते कि सोचा कह दूं जाते जाते, कि सोचा कह दूं जाते जाते।
हालांकि लेकिन मगर गोया चुके चुनाते किंतु परंतु क्या करूं टाइम नहीं। हालांकि लेकिन मगर गोया चुके चुनाते किंतु परंतु क्या करूं टाइम नहीं। क्या करूं मुझको टाइम नहीं। चार बजने में पांच मर गए। अरे और भी मैं समझाता यही, अरे और भी मैं समझाता यही, कुछ और भी मैं बतलाता यही। हालांकि लेकिन मगर घोया चुके चुनाते किंतु परंतु क्या करूं टाइम नहीं। क्या करूं मुझको टाइम नहीं। कहानी याद आ गई। एक और कहानी याद आई। दा 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 दा। एक छोटी सी कहानी थी, एक राजा एक रानी थी। एक छोटी सी कहानी थी, एक राजा एक रानी थी। रानी की जो नानी थी, आंख से वो कानी थी। आंख से जो कानी थी, रानी की वो नानी थी। कानी थी नानी थी, रानी की वो नानी थी। नानी 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 कानी 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 नानी कानी नानी कानी थी। अरे भाई कुछ भी थी तो क्या हुआ, मगर दिन रात यही कहती थी। कहती थी वो एक ही बात, प्यार में रखना हाथों में हाथ। हाँ हाँ हाथों में हाथ। अरे बड़ी पांच बजने में सात मर गया मेरा बाप। अरे और भी मैं समझाता यही, अरे और भी मैं समझाता यही, कुछ और भी मैं बतलाता यही। हालांकि लेकिन मगर होया चुके चुनाते किंतु परंतु 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 क्या करूं टाइम नहीं। क्या करूं मुझको टाइम नहीं। अरे अरे ये दोनों प्रेमी कहां चले गए। लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ने के एक अभियान में सफल हुए थे। बाबूजी कोई नई ताजी खबर सुनाइए। बस बेटे, समारोह आयोजित किया गया तुम्हारे ट्रांजिस्टर में। देश भर की सब खबरें सुनता रहता हूँ, तबीयत लगी रहती है। बाबूजी आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। एक बात कहूँ बेटा? जी। नवेंदु के वापस आने में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, हो सके तो तब तक तुम यहीं ठहर जाओ। हाँ बेटा, तुम्हारे यहाँ रहने से हम सब की हिम्मत बनी रहती है। और वैसे भी अब इस घर में तुम कोई अतिथि थोड़े ही हो, तुम भी मेरे बेटे की तरह हो, जैसे तुम ऐसे। आनंद, आज तक तुमने अपने घर वालों के बारे में कुछ नहीं बताया। मेरा घर ही कहाँ जो अपने घर वालों के बारे में बताऊं। सिर्फ ऊपर आसमान, नीचे जमीन, इसके सिवा कुछ नहीं। नहीं दोस्त नहीं, ऐसा मत कहो। मैं जो मेरी माँ है, मेरे पिताजी हैं, मेरा घर तुम्हारा घर है। अब की जब मैं घर वापस जाऊंगा तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। नहीं नहीं बिंदु, मैं तुम्हारे उस पवित्र घर में रहने के काबिल नहीं। अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम? नवेंदु, मैं एक मिशनरी स्कूल में पढ़ता था। जिस दिन मैंने होश संभाला, स्कूल के पादरी ने मुझे बताया कि कोई बदनसीब औरत अपनी लाज बचाने के लिए मुझे एक चर्च की सीढ़ियों पर छोड़ गई थी। पादरी की यह बात सुनकर
मेरे कानों में लोगों की नफरत की हंसी गूंजने लगी और मैं हॉस्टल से भाग निकला। नवेंदू, मुझे नहीं मालूम कौन है मेरा बाप, कौन है मेरी माँ। इस भरी दुनिया में अकेला ही भटकता हूँ। नहीं दोस्त, ऐसा मत कहो। आज से हम दोनों जिएंगे एक साथ, मरेंगे एक साथ। आज से मेरी माँ भी तुम्हें उतना ही प्यार करेगी जितना मुझसे करती है। आज से मेरी माँ सिर्फ मेरी माँ नहीं बल्कि तुम्हारी भी माँ होगी। नहीं नहीं नहीं, मैं तुझे खाना नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं दूंगी। इस घर को धर्मशाला होटल समझ रखा है क्या? जब ये खत्म चले आए तो क्या घर में बैठ के मक्खियां मारूं मैं? और चुप रह, मैं कहती चुप रह। मैं पूछती हूँ, घर में बैठ के लिखाई पढ़ाई नहीं कर सकता? लो और सुनो, घर में बैठ के लिखाई पढ़ाई करूँ? माँ, कई महीनों से मेरे स्कूल की फीस नहीं गई, उसका कुछ नहीं, मेरा नाम कट गया स्कूल से। वो तो हमारी मजबूरी है कुंदन, क्या गरीब के बच्चे घर में लिखाई पढ़ाई नहीं करते? उपदेश मत दो माँ, उपदेश मत दो, मुझे फिल्म में लोग अच्छे नहीं लगते। कुंदन, ये क्या कुंदन, कैसी बातें कर रहा है? माँ से क्या ऐसी बातें करते? आप कौन होते हैं भाषण देने वाले? कुंदन देखो बेटा, तुम ही देखो किस तरह की बातें करता है माँ से। कान खोल कर सुन ले कुंदन, जब तू मेरा कहना नहीं मान सकता तो मैं भी तेरे जैसे लड़के को खाना नहीं दे सकती। नहीं दे सकती? जब नहीं दे सकती तो पहला क्यों किया? कुंदन, मुझे कुंदन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, मुझे मुझसे भूल हो गई। कोई भूल नहीं है बेटे, कोई भूल नहीं हुई। तुमने जो भी किया ठीक ही किया, उसे मानना ही चाहिए था। माँ जी, इस घर में आने से पहले माँ की ममता और बाप का प्यार क्या होता मैं जानता भी नहीं था, सिर्फ सुना था। जिसे पाने के लिए मैं बचपन से तरस रहा था। इस घर में मुझे सब कुछ मिल गया, इसलिए जब कुंदन ने आपका अपमान किया उसे रहा नहीं गया, मैं अपनी जज्बात रोक नहीं सका और उस बात पर गया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। पगला कहीं का, अगर इस वक्त नवेंदु होता तो वो भी ऐसा ही करता। आनंद बेटे, जाने से पहले इस बिखरे हुए घर को संवार दो, अच्छी तरह सुधार दो। अरे मीना, इतने सवेरे क्या बात है? आज नवेंदु का जन्मदिन है। हर साल आज के दिन मैं सूरज निकलने से पहले ही आती हूँ, जानते हैं क्यों? क्यों? आनंद भैया, नवेंदु में बहुत बचपना है। जब वो मेरी आहट सुनते हैं तो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, और जब तक मेरा चेहरा उनके सामने नहीं आता वो अपनी आंखें नहीं खोलते। लेकिन वो आज यहाँ तो है नहीं, और फिर भी तुम तो क्या हुआ? उनकी तस्वीर जो है, बस उनकी तस्वीर को देखकर हैप्पी बर्थडे कह दूंगी और अपना दिल बहला लूंगी। अरे पगली, कोई तस्वीर को देखकर भी हैप्पी बर्थडे कहता है? तुझे तो भैया को चिट्ठी लिखनी चाहिए और उसमें वगैरह वगैरह सब कुछ। आनंद बाबू, आज हम दोनों मिलकर वही खाना पकाएंगे जो भैया को पसंद है, और शाम को माँ के साथ मंदिर जाएंगे। आनंद बाबू, नवेंदु के जन्मदिन पर हम लोग हर साल यहाँ आते हैं। माँ और रजनी उस मंदिर में पूजा करते हैं और हम लोग यहाँ इंतजार करते हैं। आज अगर भैया यहाँ होते तो जानते हैं क्या होता? क्या होता? यहाँ भिखारियों की भीड़ लगी रहती और भैया के पास जो कुछ भी पैसे होते वो उन्हें बांट देते। मुझे मालूम, और ये भी मालूम है कि उसके होंठों पर एक गीत होता था। रो के जियो
काम नहीं करूंगी। काम नहीं करेगी तो तेरा घर कैसे चलेगा? वो तो ठीक है, लेकिन मेरे इस तरह आने जाने से माँ भी नाराज होती हैं, और अब मुझे भी काम अच्छा नहीं लगता। किसको अच्छा लगता है काम? मशहूरी सब कुछ करवाती है। कभी कभी तो बहुत डर लगता है, न जाने क्या अंजाम होगा। चलो चलते हैं, बहुत देर होगी। चलो तो मेरे सर पे आई हुई है। चलिए मेरे, आइए अंदर। एक बात बताइए बबुआ, आप बंबई वापस कब जा रहे हैं? भाई आप हाथ धोकर मेरे जाने के पीछे क्यों पड़े हुए? क्या बताऊं बबुआ, जब से आप आए हैं ये सुसरी ट्रेन पहले की तरह लेट होती नहीं, ठीक टाइम पे आती है। तो बड़ी खुशी की बात है। अरे बबुआ खुशी की बात होगी आपके लिए, मेरे लिए तो बड़ी मुसीबत हो गई है। वो क्यों? देखिए पहले गाड़ी लेट आती थी इसलिए पैसेंजर भी लेट आते थे, अब सुसरी गाड़ी राइट टाइम पे आने लग गई और पैसेंजर वो लेट के लेट ही रह गए और गाड़ी मिस करने लग गए और धमकी मुझे देने लगे कि डिसमिस कर देंगे। अब आप ही बताइए। मैं आपकी हर मुश्किल आसान किए देता हूँ। कैसे? वो आप स्टेशन की घड़ी है ना, आप उस घड़ी को आगे कर दीजिए, आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। नमस्ते। स्टेशन की घड़ी आगे कर दो तुम मुश्किल, लेकिन मैं हर पैसेंजर की घड़ी कैसे आगे कर दूंगा? आप अंदर कैसे आए? ताला खोलकर अंदर आया, खिड़की खोलकर बाहर गया, ताला बंद किया, खिड़की से वापस अंदर आया, बैठा। लेकिन आपको चाबी कहां से मिली? इस सवाल का जवाब मैं किसी को नहीं दे सकता। नीना, क्या तुम यहां अकेली रहती हो? तुम्हारा कोई नहीं है? हाँ, मेरा कोई नहीं। माँ थी, वो भी 3 साल पहले गुजर गई। आनंद भैया, नबिंदु ने मेरे लिए सिर्फ साड़ी भेजी और कुछ नहीं कहा था। हाँ, कहा था। नबिंदु अपनी हर चिट्ठी में आपके बारे में जरूर लिखते हैं। आनंद भैया, आप मेरे भाई समान हैं। आप जब भी बंबई जाएं, तो मुझे अपने साथ ले चलिए। तुम मेरे साथ बंबई चलोगी? भैया, एक राज है जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, आज मैं आपको बताती हूँ। कौन सा राज? हम दोनों की बचपन की पहचान धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी। फिर एक दिन हम दोनों ने मंदिर जाकर एक दूसरे के गले में माला पहना दी और उसके साक्षी सिर्फ उस मंदिर के भगवान ही थे और किसी को कुछ पता नहीं था। आज ये राज भैया, अब तो मुझे ले चलोगे ना? हाँ, जरूर। बंबई जाने से पहले मुझे तुमसे मिलना भी तो होगा। और नीना, आज तुमने मुझे भाई कहा, एक भाई के नाते मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या? नीला कहाँ है? भाई से मत छुपाओ, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम दोनों की भलाई के लिए पूछ रहा हूं। हम दोनों कपड़ों के साथ साथ नाम भी बदल लेते हैं। मैं मार्ता बन जाती हूँ और नीला जूली।
और इस वक्त जूली शहर के चर्च लेन फ्लैट 36 में होगी। Hey, Julie, come in, come in. ये रहा आपका माल। मैं तो आने ही वाली थी, आपने फौरन क्यों बुलवा भेजा? खबर मिला तुम्हारे घर में कोई आदमी आया है। हाँ। कौन है वो? मेरे भाई का दोस्त। दोस्त तो अचानक, कितना दिन ठहरेगा? जब तक मर्जी होगी। किसका मर्जी? उनकी। लेकिन आप क्यों खामखा सरदर्द ले रहे हैं? इसलिए कि हमें हर टाइम चौकन्ना रहना पड़ता है। परेशान होने की जरूरत नहीं, अब मैं ये काम नहीं करूंगी। नहीं करेगा? नहीं। ठहरो, काम नहीं करूंगी कहने से काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? मुझे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं। हमारे काम में हाथ डालकर हाथ खींच लेने का मतलब जानती हो? क्या मतलब? तुम हमारे बारे में बहुत कुछ जान चुका है। जो कुछ मैं जानती हूँ और कोई नहीं जानेगा। मैं जबान देती हूँ। वो हर कोई बोलता है। तुम यहाँ से जाने नहीं पाएगा। ओहो जॉन, कैसी बातें कर रहे हो? जूली जबान दे रही है, वो जबान नहीं खोलेगी। तुम जबान को कीमत जानता है? जानती हूँ। तो जूली, फिर ये जबान खुलनी नहीं चाहिए, वरना अविनाश बाबू, मैं अब्दुल्ला बोल रहा हूँ। नीला हमारे यहाँ काम नहीं करना चाहती। मिस जूली। हेलो मिस जूली। मेरा नाम भूल गए? और तुम रास्ता भूल गई। चर्च लेन से आ रही थी ना? मैं कहीं से भी आ रही थी, आपको इससे मतलब? मतलब भी है और पूछने का अधिकार भी। अधिकार? कैसा अधिकार? मैं नवेंदु का दोस्त हूँ और इसी अधिकार से जानना चाहता हूँ कि तुम ये खतरे का काम क्यों कर रही हो। इसका जवाब मैं पहले भी दे चुकी हूँ। और कोई दूसरा काम भी कर सकती हो? दसवीं तक पढ़ी हूँ, इसलिए कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती। हाँ, एक और रास्ता है, बहुत पुराना रास्ता। एक दिन हमारी मजबूरी शायद उस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर दे। तुम जैसी लड़की मजबूरी में खतरा खरीद सकती है लेकिन अपनी असमत नहीं बेच सकती। मैंने नौकरी छोड़ दी। ये तुमने बहुत अच्छा किया लेकिन घर का खर्च कैसे चलेगा? पिताजी का इलाज कैसे होगा? वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। क्या है इसमें? तुम सबके लिए कपड़े। बड़े दयालु हैं आप। क्या आपको हमारी गरीबी पे इतना रहम खाने की क्या जरूरत? कोई दूसरा गरीब नहीं मिला आपको? ये क्या कह रही तुम? अगर आपको अपनी अमीरी पे गुमान है तो हमें अपनी गरीबी में जिंदा रहने का भी मान है। हर गरीब हाथ फैलाता है, ये कैसे समझ लिया आपने? कभी कभी आदमी अपने दिल से मजबूर होकर किसी के लिए कुछ करना चाहता है तो उसमें नीचा दिखाने या अपमान करने का इरादा नहीं होता। तो क्या होता? प्रेम, संवेदना। मुझे ऐसे प्रेम और संवेदना से वेदना होती है, तकलीफ होती है। तकलीफ इसलिए होती है कि तुम्हें बुरे भले की पहचान नहीं, तुम हर इंसान को मतलबी और स्वार्थी समझती हो। मैंने तुम्हें नौकरी छोड़ने पर मजबूर जरूर किया है लेकिन तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारी मजबूरी या गरीबी का फायदा उठाने के लिए नहीं। खैर, मैं जिस काम के लिए आया था अब वो काम शायद मैं कर नहीं पाऊंगा। मैं आज ही चला जाता हूं। मुझसे बड़ी भूल हुई है आनंद बाबू, मुझे माफ कर दीजिए।
होता ही है। आज तुमने कपाहिज की आंखों में खुशी के आंसू बहाए। बाबूजी, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपके लिए कुछ कर सका। अजी सुनती हो नीला, रजनी जरा यहाँ आओ, देखो तो आनंद मेरे लिए क्या लाया है। नीला नीला देखी मेरी व्हील चेयर, देखी बेटी बेटी। बेटा आज बरसों बाद ही इतना कुछ देखा, मैं तुम्हें कैसे आशीर्वाद दूं। नवेंदु की माँ बिछोने पर लेटे लेटे मेरा दम घुटने लगा था, अब मैं बाहर की खुली हवा में सांस ले सकूंगा। तो चलिए बाबू जी, मैं आपको बाहर ले चलता हूँ। वाह वाह, बहुत सुंदर, लाजवाब। एक तरफ आनंद, दूसरी तरफ रजनी, तीसरा छोकरा कौन है? सरकार, इसे आपने पहचाना नहीं? ये तो आप ही के इंटरनेशनल टिम्बर मार्ट में काम करता है। हाँ समझा, मास्टर हरिहर प्रसाद का बेटा। हाँ। आनंद के आने के बाद इस शहर में इश्क का मौसम छा गया है। नीला रजनी, लगता है मोहन बाबू के घर पर डबल शादी का प्रोग्राम होने वाला है। वो कैसे? अरे नीला की आनंद के साथ और रजनी की अजय के साथ। वो तो ठीक है, लेकिन पैसों के लिए तो उनको आप ही के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। पहले शादी तो होने दो, उसके बाद हाथ फैलाने की बात सोचना। सुनो, तुम ये तस्वीरें लेकर अभी बॉम्बे चले जाओ। वहां जाकर मालूम करो कि आनंद के साले साहब यानी नवेंदु क्या काम करता है, और नवेंदु के होने वाले जीजाजी यानी आनंद साहब किस खेत की मूली है। रंग बिरंगे नजारे, रंग बिरंगे नजारे, हमको पुकारे सारे। रंग बिरंगी नजारे।
चुप क्यों हो? कुछ बोलो ना। क्या बोलूं? कुछ भी, यही के मौसम बहुत सुहाना है और समा प्यारा प्यारा है। नहीं, ये नहीं। फिर ऐसा करें, थोड़ी देर के लिए मैं मजनू बन जाता हूँ और तुम लैला, या तुम शरी बन जाओ और मैं फरहाद। आजकल के नौजवान लैला मजनू या शरी फरहाद की तरह वादे नहीं करते। तो क्या करते हैं? धर आनंद, बंबई शहर कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा शहर है, ऊंची ऊंची इमारतें, इधर समंदर उधर समंदर। बस बस। तो क्यों दिया? अब तो जाकर ही देखूंगी। बंबई जाओगी तुम? लड़कियां उम्र भर माँ बाप के घर थोड़ी रहती हैं। भाई आते ही मेरी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी। बस फिर माँ और बाबूजी का आशीर्वाद लेकर। बहुत खूब, बहुत खूब, भगवान करे तुम दोनों की जोड़ी सलामत रहे। आशीर्वाद देने के लिए आपने इतनी तकलीफ क्यों की? तकलीफ? तकलीफ तो करनी पड़ती है, कहीं तुम दोनों को नजर न लग जाए। बद नजर की नजर नहीं लगा करती अविनाश बाबू। बद नजर तुम पर? तुम दोनों को ऐसी हालत में देखकर मेरा दिल मचलने लगा। माफ करना, इस प्यार भरी रागनी में मैं एक बेसुरा राग बनकर आ पहुंचा। कब तक यहाँ से जाने का इरादा है? जब तक आप मोहन बाबू के खानदान का पीछा करना नहीं छोड़ देते। पीछा? उस खानदान की देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। तो फिर मेरी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई। क्यों नहीं, क्यों नहीं? गुड नाइट। सर आपने मुझे बुलाया? हाँ, ये पूछने के लिए कि तुम चाहते क्या हो। तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूं या नौकरी से बर्खास्त कर दूं? नौकरी से बर्खास्त? मैं तो मेहनत से काम करता हूं सर। करते थे मगर अब नहीं। अब तो प्रेम भरी निगाहों से जवान छोकरी के बाहों में बाहें डाले। एक दिन मैं भी जवान था। अजय तुम मेरे मुलाजिम हो। मैं नहीं चाहता कि उस बदनाम खानदान की लड़की रजनी से संबंध रखो। अगर रखोगे तो बूढ़े बाप के साथ भूखे पेट मरना पड़ेगा। अब रोने से क्या फायदा? अच्छा बता, अजय ने तुझसे शादी करने से इनकार किया क्यों? अजय के मालिक अविनाश बाबू ने कहा है कि अगर वो उस लड़की से शादी करेगा जिसके भाई को हत्या किया गया है तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अविनाश तो ऐसा कहेगा ही, मगर इसमें अजय का कोई दोष नहीं। वो कर ही क्या सकता है? इसमें अजय का कोई दोष नहीं दीदी। नहीं, ना इसमें अजय का दोष है ना ही तेरा। दोष है उस बीमारी का जिसके लिए दुनिया दूर से हमदर्दी दिखाती है, इलाज कोई नहीं करता। और इस बीमारी का नाम है गरीबी। तो उसने मुझसे शादी करने के झूठे वादे क्यों किए? तू समझती क्यों नहीं रजनी? अगर अजय की नौकरी चली गई तो वो अपने बीमार बाप को क्या खिलाएगा? लेकिन दीदी अब क्या होगा, मैं क्या करूं? रजनी मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, हमें दुनिया में किसी का प्यार नहीं मिलेगा। हमारी जिंदगी में शादी की शहनाई नहीं बजेगी। कोई नहीं भरेगा हमारे मांग में सिंदूर। हमारी सुहाग रात होगी किसी होटल के बंद कमरे में बाप की उम्र के किसी बूढ़े बदमाश के साथ। एक बार नहीं, बार बार। ऐसा मत कहो दीदी, ऐसा मत कहो। भगवान ने सबको जानते हुए भी हमारी तरफ से आंखें फेर ली, तो इसमें इंसान का क्या दोष? अजय, अजय, पहले तो रजनी के लिए जान देने की बातें करते थे और अविनाश की एक ही धमकी से उसकी जान लेने पर उतर आए। आनंद बाबू मैं मजबूर हूँ, अगर मेरी नौकरी चली गई तो बुढ़े बाप को क्या खिलाऊंगा? और अगर नौकरी मिल गई तो? नौकरी वो कहां से मिलेगी? मिलेगी, भरोसा, ये जिम्मेदारी मेरी। मां साहब, मुझे आपसे एक जरूरी काम है। तो बोला। अगर आप वो काम कर देंगे तो मैं आपको भरपेट मिठाई खिलाऊंगा। आप कहता है मिठाई खिलाएगा। चल बोल बोल। बोला, आप अजय को जानते हैं? अजय को
हाँ, वो स्कूल मास्टर हरिहर प्रसाद का बेटा। हाँ, उसे एक नौकरी की जरूरत है। नौकरी? लेकिन वो गुरुगंटाल, वो तो सेठ अविनाश का वहां नौकरी करता है। हाँ, लेकिन मैं उसे उस नौकरी से छुड़वाना चाहता हूँ। छुड़वाना चाहता है? लेकिन क्यों? मैं उसकी शादी बाबू मोहन कुमार की छोटी लड़की रजनी से करवाना चाहता हूँ, मगर वो नीच अविनाश उस परिवार के पीछे पड़ा हुआ है। अरे बबुआ, इसीलिए तो हमने तुमको बहुत पहले ही बता दिया था कि वो परिवार बहुत बदनाम है। मगर ये मास्टर हरिहर प्रसाद इस शादी के लिए सिग्नल डाउन करेगा? आप एक बार चलकर उनसे मिल लो, सब मिलकर उन्हें अंधेरे में मत ढकेलो। वो बहुत अच्छे लोग हैं। आप उनसे मिलोगे तो उन्हें एहसास हो जाएगा कि उनका कोई हमदर्द है, कोई अपना है। और फिर रजनी और अजय एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार? अरे बबुआ, इस प्यार के खातिर तो हम हमारी जान दे दें। चला बेटे, तुम जो कुछ करोगे ठीक ही करोगे। बस तो अब आप हरी झंडी दिखा दीजिए। हरी झंडी? जी हाँ, हरी झंडी यानी कि लाइन क्लियर। देखिए, उसके बाद बैंड बाजे के साथ धूमधाम से शादी होगी जी। किसकी शादी की बात कर रहे हैं? माँ जी, रजनी की शादी। स्कूल मास्टर हरिहर प्रसाद, उनके बेटे अजय, उनके साथ अपने स्टेशन मास्टर साहब लड़की की तरफ से बात पक्की करने आए। बड़ी बहन की शादी से पहले छोटी बहन की शादी कैसे हो सकती है बेटा? माँ, तुम मेरी चिंता मत करो, अजय बहुत अच्छा लड़का है, रजनी की शादी जल्दी पक्की कर दो। हम उन बाबू, लड़की वाले तो गले में चादर डाले, यूं हाथ जोड़े, यूं पैर दबाए लड़के के वहां जाते हैं। और मैं एक मिनट बोलने दे, और मैं लड़का वाला होकर लड़की वाले के घर यूं शंटिंग करते आया हूं, जरा सोचिए। ठीक कहा ना बबुआ? हाँ माँ जी, हम जमानत दे चुके हैं। तुम कहते हैं तो ठीक है बेटा। तो बात पक्की, यानी कि हो गया रिजर्वेशन? बधाई हो मोहन बाबू, बधाई हो। आइए अपना सब आइए। तो फिर रजनी की शादी पक्की हो ही गई? हाँ, भगवान की कृपा से। यूं कहिए, आनंद की कृपा से। तो मेरा ख्याल है शादी में 4-5 हजार रुपए तो खर्च हो ही जाएंगे। तो जहाँ 5 हजार वहाँ 15 हजार। मैं आपका मतलब नहीं समझा। भूल गए? आपकी मुसीबत में मैंने 5 हजार रुपए दिए थे, वो रकम अब बढ़कर 10 हजार हो गई है। 5 की 10 हजार? वो कैसे? 5 हजार उधार लिए थे, 5 हजार ब्याज। 5 हजार ब्याज? मोहन बाबू, आप बड़े भोले हैं। ब्याज तो टैक्सी के मीटर की झंडी है। एक दफा जो झंडी गिर गई तो उस मीटर की टिक 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 बंद नहीं होती, यानी दस्तखत के साथ ही ब्याज चढ़ना शुरू हो जाता। लेकिन इतनी बड़ी रकम मैं लाऊंगा कहाँ से? ये तो आपका कर्ज लेते वक्त सोचना चाहिए था। क्या सोचना चाहिए था अविनाश बाबू? अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं कर्ज की बात कर रहा था। नीला, मैं कोर्ट से डिक्री ले चुका हूँ। शादी से पहले मुझे रकम मिल जानी चाहिए, वरना शादी के दिन बारातियों के सामने कुर्क कमीन कुर्क कराने आएगा, बाराती देखेंगे, ये तो सोचते हुए मुझे बड़ी तकलीफ होती है। जब आपको सोचने में भी तकलीफ होती है तो हम गरीबों को तकलीफ दे ही क्यों रहे हैं? मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, तुमने उसे थामने से इनकार कर दिया। मैं ये रकम माफ कर देता अगर तुम मुझसे संबंध बनाए रखते। अविनाश बाबू, बिना कारण आपने भैया को तड़ी पार करवा दिया, फिर भी हमने आपसे संबंध जोड़े रखे क्योंकि हमारा घर आपके पास रहन है। अगर आपकी महफिल में नहीं आने से ये संबंध टूट गया है तो मैं इस टूटे हुए संबंध को जोड़ना नहीं चाहती। मोहन बाबू, शादी से 4 दिन पहले मुझे 10 हजार रुपए चाहिए, वरना शादी की बेदी आपके घर के आंगन में नहीं, सड़क पर होगी। क्या बात है नीला? अविनाश आया था। अविनाश? क्यों? ये कहने के लिए कि अगर रजनी की शादी से पहले उसे मकान के गिरवी के पैसे नहीं मिले तो वो हमें मकान छोड़ने पे मजबूर कर देगा। इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे आनंद? कितने पैसे? 10 हजार रुपए। अब रजनी की शादी कैसे होगी? तुम चिंता ना करो नीला, सब ठीक हो जाएगा।
क्या कर रहे थे बिंदु? अपने निशाने को आजमा रहा था ताकि जरूरत पड़ने पर निशाना चूक न जाए। ये रिवॉल्वर तुम्हें मिली कहां से? मैंने चोरी की। चोरी? किस लिए? माँ की चिट्ठी आई है। वो कमीना अविनाश बार बार घर आता है, उसका कर्जा चुकाना, उसके पास गिरवी रखे अपने मकान को छुड़ाना, नहीं तो हमें घर छोड़ने में मजबूर कर देगा। आनंद, मुझे एक मोटी रकम चाहिए। उसे हासिल करने के लिए अगर मुझे किसी का खून भी करना पड़े तो करूंगा। पागल मत बनो नवेंदु, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या तुम्हारे माँ बाप इस सदमे को बर्दाश्त कर सकेंगे? मरने के बाद क्या होगा वो मैं नहीं सोचता, मगर मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ आनंद, दुनिया में कौन सा ऐसा बेटा है जो अपने माँ बाप का तड़प तड़प कर मरना बर्दाश्त कर सके? लेकिन किसी की जान लेकर तुम इस मसले को हल तो नहीं कर सकोगे? मेरा तो सिर्फ एक ही सवाल है आनंद, कि मेरी जिंदगी क्या कीमत है, जबकि मैं अपने घर वालों को बेघर होने से रोक नहीं सकता, अपनी बहनों की इज्जत और आबरू बचा नहीं सकता। एक शरीफ घराने का पढ़ा लिखा नौजवान खूनी और कातिल? नहीं, ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे जज्बात को समझता हूं आनंद, मगर जानते हो माँ बाप की बेबसी ने, घर की मजबूरी ने और मेरी बेकारी ने अविनाश के पास मुझे दोबारा जाने पर मजबूर कर दिया। मैंने जाकर उसे दया की भीख तक मांगी, मगर उसने कहा दया करना भगवान का काम है, मेरा काम नहीं। मैंने उसके पांव तक पकड़े। पांव पकड़ने पर भी उसने तुम्हें माफ नहीं किया? नौकरी नहीं दी? दी थी, मगर उसमें भी उसकी एक चाल थी। कैसी चाल? रोज रात को मैं उसका माल स्टेशन पहुंचाता था। एक दिन उसने मुझे ऐसा फंसाया, ऐसा जाल बिछाया कि वैगन तोड़ने के इल्जाम में पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया और एक साल के लिए तड़ी पार कर दिया। आनंद, आज मेरे नाम के पीछे बीए की डिग्री नहीं, तड़ी पार का धब्बा है। तुम ही बताओ आनंद, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? अगर मैंने रुपए नहीं भेजे तो वो बदमाश मेरे मकान के गिरवी के कागजात कभी वापस नहीं करेगा, कभी वापस नहीं करेगा। जो आनंद बंबई में था वो यहां आकर मर चुका है, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि एक बार, सिर्फ एक बार उसे चिता से उठाकर यहां लाना पड़ेगा। ये सौदा अविनाश से मुझे ही करना पड़ेगा। तुम अंदर कैसे आए? इस सवाल का जवाब मैंने आज तक किसी को नहीं दिया है, लेकिन आज आपको देता हूं अविनाश साहब, इसकी मेहरबानी से आया हूं। तुम्हारी ये हिम्मत? बड़ी मोटी अकल है आपकी, हिम्मत है तभी तो आपके दर्शन करने चला आया हूं। तुम चाहते क्या हो? मैं हाथ नहीं फैलाता अविनाश साहब, मुझे खुद लेना आता। निकल जाओ यहां से। आहिस्ता बोलिए, नहीं तो आपको दिल का दौरा पड़ जाएगा। जानबूझकर मौत के मुंह में हाथ डाल रहे हो, अपनी खैरियत चाहते हो तो निकल जाओ यहां से। चुपचाप मोहन बाबू के घर के कागजात मेरे हवाले कर दीजिए। फैलाए हो? हाँ, उस तिजोरी में है। वो रुपए तुम्हारे बाप के नहीं? और आपके बाप के भी नहीं है अविनाश साहब। आनंद, क्यों तकलीफ कर रहे हैं आप? उसकी गोलियां तो मेरे पास हैं। अब ये खिलौना किसी बच्चे को दे दीजिएगा, वैसे मेरे पास भी है। अविनाश साहब, मोहन बाबू की तरह हजारों लोगों को बेघर बनाकर काले नोटों को जो पहाड़ खड़ा किया है, उसका हिसाब रखा है आपने? अगर इसकी खबर इनकम टैक्स वालों को दूंगा तो क्या मिलेगा? 10 लाख, जो मोहन बाबू के 10,000 रुपयों से कई गुना ज्यादा होंगे। नहीं नहीं आनंद, मुझ पर दया करो आनंद। दया? याद है नवेंदु ने भी एक दिन आपसे इसी दया की भीख मांगी थी और आपने कहा था कि दया करना भगवान का काम है, मेरा नहीं। मैं बर्बाद हो जाऊंगा, बिल्कुल तबाह हो जाऊंगा। मुझे बचा लो आनंद, मुझे बचा लो। एक शर्त पर। मुझे मंजूर है। मोहन बाबू के घर के कागजात मेरे हवाले कर दो और साथ साथ वो रसीद भी। अभी देता हूं। Thank you.
अरे देखो रे देखो रे देखो बैंड बाजे के साथ दूल्हे राजे के साथ मेरी बहना की सज के बारात आ गई। आज नाचेंगे हम, आज नाचेंगे हम और गाएंगे हम, देखो खुशियों की रात आ गई, आ गई ओ देखो खुशियों की रात आ गई। अरे देखो रे देखो रे देखो बैंड बाजे के साथ। अरे सुनो सुनो अरे सुनो सुनो ओ जी दादी हम बात पते की बताए। अरे हमरी बहनिया में बड़े बड़े गुण गिन गिन के तुमको सुनाए। बड़ी भोली भी है मीठी गोली भी है सीधी सीधी भी है टेढ़ी टेढ़ी भी है। हाँ चलना संभल के है ओहो चलना संभल के अकड़ के न रहना जो भी कहना हो प्यार से कहना। देखो मधुर मिलन की रात आ गई। अरे देखो रे देखो रे देखो बैंड बाजे के साथ। अकेले अकेले कल तक तो थे अकेले अकेले हाथ से बन गए हो दो 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 हाथ से बन गए हो दो। अरे सारे बाराती देते दुआएं जाओ फूलो फलो अरे जाओ फूलो फलो। अभी तो एक हो हाँ एक हो एक से होंगे दो से होंगे तीन तीन से होंगे चार तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। बस बस यार बस। मगर क्यों? बंदी नस यानी नसबंदी। बात पते की पते की पते की पते की। अरे 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 वो तो समझे इस नसबंदी में हम अपना गाना ही भूल गए। क्या था क्या था क्या था क्या था। वन टू थ्री फोर देखो रे देखो रे देखो रे बैंड बाजे के साथ। अरे देखो रे देखो रे देखो बैंड बाजे के साथ दूल्हे राजे के साथ मेरी बहना की सज के बारात आ गई। आज नाचेंगे हम और गाएंगे हम देखो खुशियों की रात आ गई, आ गई वो देखो खुशियों की रात आ गई। साड़ी में तू बहुत सुंदर लग रही है। तुझे देख के भैया फूले नहीं समाएंगे। यह तो वो साड़ी है जो आनंद भैया के साथ भेजी। हाँ आज वो आने वाले हैं इसलिए पहन कर आई हूँ। लेकिन नीला की शादी तो तय ही समझो। बस नवेंदु के आने की देर है। नवेंदु वो कब आ रहा है? वो तो बस आते ही हो। माँ जी नमस्ते। जी तो बेटा नवेंदु अभी तक नहीं आया। नहीं आया? तड़ी पार का एक साल पूरा हुए तो दो दिन हो गए। बम्बई से आने में कितने दिन लगते हैं? क्या वो बॉम्बे में है? जी हाँ भैया बम्बई में थे। अब तक तो उन्हें आ जाने चाहिए था। तुम्हें तो मालूम था जैन जब तुमने नवेंदु को गिरफ्तार किया था उसने वादा किया था कि साल खत्म होते ही वो वापस आ जाएगा। गिरफ्तार करना तुम्हारा फर्ज था तो ये मालूम करना तुम्हारा फर्ज नहीं कि मेरा बेटा क्यों वापस नहीं आया। चलो आनंद हम थाने जाकर मालूम कर लेंगे। ये कौन? ये नवेंदु की दोस्त है। देर न करो चलो। माँ जी आप कहाँ जाएंगे? मैं ही जाता हूँ। तुम दोनों ये अखबार लेकर फौरन पुलिस स्टेशन चले जाओ ताकि वो आनंद को गिरफ्तार कर सके। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? मैं वापस जा रहा हूँ। रजनी की शादी हो रही है और तुम वापस जा रहा? क्यों? मैं क्यों जा रहा हूँ मत पूछो।
ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझे नहीं बता सकते? जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे मैं नहीं जाने दूंगी। जिस विश्वास और अधिकार से तुमने हाथ पकड़ा है उसके काबिल में नहीं हूं नीला। ये तुम क्या कह रहे हो आनंद? मैं ठीक ही कह रहा हूं नीला। चोरी से माल बेचना और मंगवाना मेरा धंधा था। एक दिन अचानक नवेंदु से मेरी मुलाकात हुई, वो मेरा दोस्त बन गया। उसने अपने और अपने परिवार के बारे में मुझे सब कुछ बता दिया। लेकिन यहां आने से पहले मैंने सोचा भी नहीं था कि नवेंदु के दिया हुआ वचन मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। कैसा वचन? रात के 12 बजे थे, नवेंदु सो रहा था लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। इतने में किसी ने खिड़की पर राजाराम का माल सामान पटोले पहाड़ी पर आ गया है, वहां कोई नहीं जाएगा, वहां पुलिस के साथ नजर है। लेकिन आनंद बाबू, ये माल अगर हमारे हाथ आ गया तो जिंदगी भर हमें काम करना नहीं पड़ेगा, और अगर पकड़े गए तो जिंदगी भर तरों बेले पड़ जाएंगी। तुम जाओ। लेकिन आनंद बाबू, जाओ। Thank you.
नभेंदु, नभेंदु। आनंद, तुम मुझे ही छोड़ दो और भाग जाओ, वरना पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी। आनंद, कैसी बातें कर रहे हो नभेंदु? तुम्हें तो कहा था कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे। कहा था आनंद, कहा था, मगर अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। नहीं नभेंदु, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, नहीं मरने दूंगा। आनंद, एक बदकिस्मत पढ़ा लिखा नौजवान इस जंगल में जंगली जानवर की तरह तड़प तड़प कर मर रहा है। ऐसा मत कहो, वादा करो मेरे दोस्त, वादा करो मेरे मरने के बाद मेरे घर वालों को मेरी मौत की खबर पहुंचा दोगे, नहीं तो जिंदगी भर मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन मेरी राह देखते रहेंगे। और सुनो, मेरी मौत की खबर मेरी मीना को भी। नभेंदु, मेरा दिल यही कहता था कि मेरे भैया को जरूर कुछ न कुछ हो गया, इसलिए मैं तुमसे बार बार पूछती थी, बार बार शक करती थी। नभेंदु की मौत की खबर देने के लिए ही मैं यहां आया था। मुझे नहीं मालूम था कि माँ बाप को उनके जवान बेटे की मौत की खबर देना मेरे लिए इतना मुश्किल हो जाएगा। मीना, तुमने मुझे भाई कहा, लेकिन मैं तुमसे नहीं कह पाया कि तुम्हारी मांग में सिंदूर भरने से पहले ही खुल गया, तुम विधवा हो गई। अब मैं तुम्हारे आंसू कैसे पूछूं? अब बिना आंसू के सिवा मेरे पास बचा ही क्या है भैया? लेकिन वो भगवान की मूर्ति जिसके सामने हमने साथ फेरे लिए थे, क्या वो बेजान पत्थर की मूर्ति के अलावा और कुछ भी नहीं? अब मैं क्या करूं? किसके सहारे जियो, क्यों जियो, क्यों जियो? मीना, रजनी की शादी हो रही है और तुम यहाँ? क्या आप जानते हैं नभेंदु मर गया? सुना, मुझे अफसोस है बेचारा। और उस बेचारे को तुमने मुझसे अलग कर दिया। दुनिया वालों के सामने मैं अपने मांग में सिंदूर भी न भर पाई थी कि मेरा सुहाग उजड़ गया। एक निर्दोष की जिंदगी बर्बाद करके तुम्हें क्या मिला? और कुछ? नभेंदु मर गया तो भूल जाओ उसे। मैं जो हूँ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। देशम, एक साल से मैं नभेंदु के लिए तड़प रही हूँ, आज मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगी। मीना, मीना। इंस्पेक्टर साहब, आप शायद मुझे गिरफ्तार करने आए हैं। जी हाँ, पहना दो हथकड़ी। इंस्पेक्टर साहब, अपने गुनाहों का एहसास करने वाले को हथकड़ी नहीं पहनाते। नीला, जब तक ये हथकड़ी मेरे हाथों में नहीं डालेंगे, मुझे कैद की सजा नहीं मिलेगी, कानून की नजरों में मैं हमेशा गुनहगार ही रहूंगा। और नीला, इस घर की चार दीवारी में मैंने जो प्रायश्चित किया है वो कानून कभी नहीं मानेगा। माँ जी और बाबू जी को नभेंदु के बारे में कुछ मत कहना। नीला, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। माँ जी और बाबूजी से आशीर्वाद भी तो लेना है। हाँ?